सिंपथीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? दीवाने तो ज़हीन के हुए हैं, है ना? शिकवा. जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ के आप प्यार तो किसी के दिल में नहीं डाल सकते. तो ज़हीन को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? अब मैं ज़हीन की साइड लेता हूँ. ज़हीन की साइड पे ये है कि ही इज द ओनली पर्सन जिसको पता है कि ये कितनी मासूम है, ये गलत डिसीजंस ले जाती है जिंदगी में, और कोई नहीं समझेगा इसको, मैं ही समझ सकता और मैं ही इसकी साइड लूंगा क्योंकि मुझे इससे कोई ऐसा सच कोई फायदा चाहिए नहीं. कुछ कहूंगी ना सेट पे कि अच्छा आप ये कर ले, वो कि जैसे मैं हूं, मैं ज़हीन नहीं झुकेगा. सो दिस इज लाइक अ लाइन, ज़हीन नहीं झुकेगा. मैंने इनको एक मैसेज किया कि यार ये नहीं होना चाहिए था ना, जब कुछ प्रोमोस का वो हुआ, ही डिडंट रिप्लाई. ही डिड नॉट, एंड आई स्टिल हैव दैट कन्वर्सेशन. सो दैट्स सो अनफेयर. फिर मैंने कहा, फुल टाइम एटीट्यूड दे रहे थे. नहीं एटीट्यूड दो. फिर मैंने कहा अब तो मैं इससे बात नहीं करूंगी, अब ठीक है. गाइज अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वॉचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन. वो पागल सी बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है. सारा पे गुस्सा भी आता है और मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि भाई ज़हीन क्या करे ज़हीन के, मतलब बेचारा मर जाए क्या करे. मेरी सारी सिंपथीज ज़हीन के साथ हैं, जैसा कि आप लोगों को लग रहा होगा. आप लोग बताएं, आप लोग सारा की साइड पर या ज़हीन की साइड पर? तो ज़हीन सारा ज़हीन ये बहुत चल रहा है पिछले कुछ दिनों से. हमने सोचा सारा और ज़हीन को हम स्टूडियो में इनवाइट करते हैं और सारा से ये मिस्ट्री हल कराते हैं कि भाई क्या करे. वो आईफिल टावर पर उसको ले जाए, चांद लेकर आए, क्या करे कि सारा के दिल की हल्की सी खिड़की खुले और ज़हीन एंटर हो सके. और ज़हीन से मैं ये पूछना चाह रही हूँ, छोड़ो ना यार, इतने क्यूट से हो और बहुत लोग मिल जाएंगे. सो आज हमारे साथ हैं हिरा खान एंड साद कुरैशी इन आवर स्टूडियो. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक. कैसा लग रहा है मज़े का इतना इंटरेक्शन, इतना रिएक्शन ऑडियंसिस का? सब दीवाने हुए हैं ज़हीन और सारा के. एंड ज़हीन आपको तो काफ़ी सिंपथीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? दीवाने तो ज़हीन के हुए हैं, है ना? शिकवा आ रही है सारा को थोड़ी सी बैशिंग साथ, थोड़ी सी. अब YouTube के कमेंट्स तो देखें, इस लड़की को ये वो फलाना वो इतना प्यार करता है, पैसा सब कुछ नहीं होता जिंदगी में. अच्छा ऐसा नहीं था शुरू के एपिसोड्स में? हाँ, आपके साथ भी काफी लोग थे. हाँ बट तब थे अब नहीं है. सो शुरू में आई थिंक वो जुबाब के साथ, बिकॉज शी वॉज यू नो अभी भी शी इज द एंटागोनिस्ट, सो वो वाला एक सीन था. बट अब Since Sara is not accepting Zaheen's love, so everybody's like, but आगे क्या होगा? अगर अभी से प्यार एक्सेप्ट कर लेगी तो फिर आगे का कहानी कैसे चलेगी? हाँ तो प्यार एक्सेप्ट करके भी तो कहानी चल सकती है. आप ये तो मतलब नहीं है ना कि प्यार एक्सेप्ट कर लिया तो जिंदगी खत्म हो गई, और भी तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन गलतफहमी भी हो सकती है जिंदगी होता है टिपिकली ड्रामों में. पता है मैं थोड़े बहुत ज़हीन के अल्फाज दोहराऊंगा, प्यार जबरदस्ती तो नहीं किया जाता. बट टू सम एक्सटेंट सारा बिल्कुल ठीक है क्योंकि शी कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट फैमिली, और उसको ज़बरदस्ती ना सही किसी मतलब एक इवेंट की वजह से उसकी शादी हो जाती है, तो वो कैसे ज़हीन को पसंद करेगी? ज़हीन ऑब्वियसली उसके एक ड्राइवर का बेटा है और एक स्टेटस डिफरेंस तो है ना दोनों का. तो ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़ के आप प्यार तो किसी के दिल में नहीं डाल सकते. तो ज़हीन को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? अब मैं ज़हीन की साइड लेता हूँ. ज़हीन की साइड पे ये है कि ही इज़ द ओनली पर्सन जिसको पता है कि ये कितनी मासूम है और ये गलत डिसीजंस ले जाती है ज़िंदगी में, तो और कोई नहीं समझेगा इसको, मैं ही समझ सकता हूँ और मैं ही इसकी साइड लूंगा क्योंकि मुझे इससे कोई ऐसा सच कोई फायदा चाहिए नहीं. बट वो नहीं कहते कदर खो देता है अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को किसी के लिए अवेलेबल कर दें तो. कदर खो देता है हर रोज का आना जाना. हाँ लेकिन ये भी, हाँ ये भी हो ही रहा है ना. और लेकिन ये भी खो देता है ना कदर, अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा अवेलेबल कर दें किसी के लिए. तो ज़हीन ने मुझे लगता है कुछ ऐसे ही किया हुआ सारा. मेरा बड़ा दिल किया था कि एट सम पॉइंट इन द स्टोरी मैं ज़हीन में थोड़ा एटीट्यूड लाके बोलूं कि बस यार थोड़ा ना. बट नहीं आई थिंक दैट ज़हीन एक वो वाला शख्स है जिसके दिल में ये एटीट्यूड लाने वाली बातें या गेम्स खेलना उसे आता ही नहीं है. वो तो सच्चे दिल से प्यार कर रहा है, ही वांट्स टू प्रोटेक्ट द गर्ल, एंड वो तो इंसान ही वैसा है. अब सारा इस टाइम ऐसा नहीं है कि सारा को ज़हीन बुरा लगता है या बहुत ज़्यादा उस तरह से है. उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो जानती है, क्योंकि वो शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे सारे रिलेशनशिप्स वो हमेशा से ख़राब ही रहे, टूटे रिश्ते, हर बंदा उसके लिए पैसे के पीछे लगा हुआ है. तो वो ये जानती है कि ज़हीन का जो कोर है वो स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ अ गुड गाय. बट वो खुद भी डिनाइल में कि मैं कैसे इससे प्यार कर सकती हूँ, बिकॉज यू नो वी आर सो डिफरेंट, वी आर वर्ल्ड्स अपार्ट.
तो इज शी अ लिटिल स्केयर्ड आल्सो, क्योंकि उसने देखा है कि उसके बाप के साथ क्या हुआ है, तो उसकी मोहब्बत को शक में, मुझे लगता है जैसे उसको शक है कि नहीं इवेंचुअली ये मेरे पैसे के पीछे है, जैसे वो लड़की मेरे बाप के पैसे के पीछे है, ये भी उसको क्या खौफ रोक रहा है, या वाकई सारा के अंदर बिल्कुल कोई भी वो इतनी मटीरियलिस्टिक है कि नहीं वो अपने स्टेटस से नीचे नहीं आ सकती। सारा मटीरियलिस्टिक है क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग उस तरह की थी, बट शी हैज़ अ गुड हार्ट, सो शी वाइल शी नोज, वरना वो अपने बाप के घर से नहीं जाती, वो अगर उसके अंदर खुददारी नहीं होती। उसने रूमी को भी देखा था, उसने अपने बाप के साथ तो देखा ही देखा, उसने रूमी को भी देखा था कि वो लड़का भी उसके पास, क्योंकि उसने लिटरली उसकी बातें सुनी थी कि पैसे के पीछे था फलाना वगैरह, सो she knows she's struggling right now, उसके अपने अंदर ही एक जंग चल रही है, तो उसको बाहर की एक्सटर्नल चीज़ें इतनी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही इस टाइम। लेकिन वो अभी हेल्प के लिए क्यों नहीं जाती ज़हीन के पास, अभी इतना बड़ा मसला, इतना तो बेइज्जत किया उसको, नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, मैं अपनी ज़िंदगी बना लूँगी। अच्छा मतलब एक गलती के बाद दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती सारा किए जाती है, सीखती नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। नादान है इसको, और पागल सी तो है। और फिर होते हैं ना कुछ लोग जिनको बचपन से आपने बहुत प्रोटेक्टेड रखा होता है फैमिली ने, उनको नहीं पता कि हम बाहर मतलब जाएंगे काम शाम करेंगे, और लाइक रियल वर्ल्ड, वंस यू गो इन द रियल वर्ल्ड वहाँ की प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट होती है। घर पे तो सब लोग होते हैं, बड़ी बहन है, ठीक है, बाबा ने ऐसा प्रोटेक्टेड रखा है कि किसी भी प्रॉब्लम में नहीं जाने देंगे, पहले से ही प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो शी इज वन ऑफ दोज। और इसकी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है कि उसके पास टाइम ही नहीं है ज़हीन को देने का और ज़हीन के बारे में सोचने का। ये क्या सोच सकता है, ज़हीन सामने तो बैठा है बेचारा, ज़हीन ही ज़हीन तो है। ये ज़हीन बैठा है, अभी फोन आएगा कि अब मैं इस प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। अब वो इन द रीसेंट एपिसोड फरहान इज डूइंग समथिंग दैट स्लीज़ी बॉस, एंड देन घर में आपकी शादी होगी है बाप की एट दिस एज, और वो आके बाप के सामने कुछ और है और बेटी के सामने कुछ और है, तो ज़हीन क्या करे सारा का दिल जीतने के लिए, हम सबका ये सवाल है। जो ज़हीन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा आई थिंक शी विल सी थ्रू, सो इट विल टेक सम टाइम। उसने काफ़ी कुछ कर लिया, और वो काफ़ी कुछ कर रहा है, इवन तो वो गुस्सा कर जाता है कभी कभी, पिछले कुछ एपिसोड में ऐसे हुआ था कि अब मत आना मेरे घर, एंड यू नो आई विल नॉट लेट यू इन, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो मुझे लगा आप अकेली होंगी तो मैं आ जाता हूँ आपका ख्याल रखने के लिए, तो वो उस तरह का इंसान। अच्छा एवरी थिंग दैट ज़हीन सेज वो वैसे ही होती है, चाहे वो इसकी दोस्त हो, चाहे वो इसका दोस्त हो, चाहे वो इसकी मदर इन। आई विल टेल यू समथिंग फनी, माय अम्मा शी वॉचेस द ड्रामा बड़े शौक से, शी इज लाइक बेटा मेरी बात सुनो, ये जब ना ज़हीन के पास सज्जो आती है उससे बात करने की, उसके कहा चलो बाहर जाओ मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, जैसे ही तुम्हारे सामने आएगा जी मैडम आपको कुछ चाहिए कुछ कर दूँ मैं आपके लिए, कहती है जो लड़के होते हैं ना, जो लड़की उनको चाहिए होती है उसके साथ ऐसे होते हैं, और जो उनके पीछे लगे होते हैं चलो तुम यहाँ से निकलो मुझे नहीं तुम चाहिए हो, ये वाला एटीट्यूड होता है। ये तो भाई सही ऑब्जर्वेशन है। तो इज़न्ट ज़हीन टू गुड टू बी ट्रू, ज़हीन जैसे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं, ज़हीन में एक भी खामी नहीं है भाई, मैं कल सोच सोच के थकी हूं, सारा में तो ये भी है गुड बैड थोड़ा ग्रे भी हो जाती है, ज़हीन तो बस वाइट ही वाइट है, प्योर वाइट है। I'll tell you one thing, when I was offered this serial, तो मुझे पता लगा कि यार ये वो पागल सी है, अच्छा क्या कहानी होगी, लड़की की कहानी होगी, तो मैंने फिर जब स्क्रिप्ट पढ़ा, स्क्रिप्ट पढ़े बगैर तो काम कोई नहीं करता, True. तो मैंने ज़हीन को पढ़ा और ज़हीन का कैरेक्टर, आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद हिम, आई वाज लाइक कि ये प्रॉबेबली मेरे करियर का सबसे हार्ड वर्किंग कैरेक्टर है और सबसे राइटर्स है, और he has a very pure heart. Yeah. इससे प्यार हो गई हर किसी को. I was like, Zaheen done, signed. अच्छा, so Zaheen बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. But कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है. Like he's the hero, but he's not the typical hero. थोड़ा सा मैं heroes में वो जो अकड़ हल्की सी भी नहीं है. है उसमें. I'll tell you. कहाँ से वो बस बेचारी सज्जो के पास ही आती है, वरना तो कहीं नहीं आती. नहीं शुरू में सारा के साथ ही बहुत. शुरू में. अब वो तो तब. अब तो प्यार हो गया ना. अच्छा. नहीं वो भी तब होती है जब ये बदतमीजी कर रही होती है. बदतमीजी किसी की भी नहीं लेता वो. चाहे वो इवन विद एहसन साहब. ठीक है विद बाबर अली. जब वो कोई गलत बात करते हैं उनके सामने भी सीधा होके बोलेगा कि सर आप मेरे ख्याल से आप इससे नहीं कर सकते. आपको अपनी बेटी की साइड लेनी चाहिए. हम ना सेट पे वी हैव दिस जोक. सो मैं अगर इनको कुछ कहूंगी ना सेट पे कि अच्छा आप ये कर लें, वो जैसे मैं हूँ मैं ज़हीन नहीं झुकेगा. सो दिस इज लाइक ज़हीन नहीं झुकेगा. बट यू थिंक हमारी सोसाइटी रेडी है, लड़कियाँ रेडी हैं इस किस्म के कैरेक्टर्स को एज अ हीरो लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ वो थोड़ी सी ये आदत है कि हीरोज़ में टॉक्सिसिटी या
थोड़ा सा वो अकड़ का एक एलिमेंट होना चाहिए जो हमें ज़हीन में, मुझे तो सारा के साथ नज़र नहीं आता है बिल्कुल. फॉर मी ही इज़ लाइक टू जेंटल, टू नाइस, टू रिस्पेक्टफुल, टू अकोमोडेटिंग फॉर हर. बट आपको लगता है कि आई थिंक हमें ही अपनी ऑडियंस को थोड़ा यू नो वी हैव टू डाइवर्ट देम फ्रॉम ऑल दैट टॉक्सिसिटी टू समथिंग नाइस. ठीक है, रिसेंटली वी हैव सीन ऑनलाइन के हमजा जो फरहान सईद ने प्ले किया उस पे, और अल्लाह का शुक्र ज़हीन लोग कहते हैं कि हमने ये देखना है, वी आर डन विद द बैड बॉयज जो कि वो कैसी तेरी खुदगर्जी में है, और फिर उससे पहले मुझे एक चीज बहुत अजीब सी लगती है. ठीक है, आप इंडस्ट्री में हर किसी को जानते हो, आप सबका काम देखते हो, हमारी इतनी सी इंडस्ट्री है, तो हम मुझे ये एटीट्यूड प्रॉब्लम्स और ये मुझे बहुत बुरी लगती है, और मैं खुद इस तरह का बिल्कुल नहीं हूँ. जो अच्छा काम करता है मैं उसके पास जाके बोलता हूँ, चाहे मैंने थोड़ा सा भी देखा हो मैं उसको जाके कहता हूँ, चाहे मेरी उससे कभी मुलाकात ना हुई, स्क्रीन पर उसने अच्छा काम किया उसको जाके कहता हूँ यार तुमने बहुत अच्छा काम किया. तो Honestly, हमारी इतनी सी इंडस्ट्री है तो हम देखते हैं. तो वहाँ पे yes, we talk about the characters. Only talking about characters. Yeah, yeah. तो अब कैसी तेरी खुदगर्जी में, फिर हमने फिरोज के हमने देखे कैरेक्टर्स. ठीक है वो चलता है, लेकिन अब हमें खुद भी थोड़ा डाइवर्ट करना है ऑडियंस को कि अच्छे लोग भी होते हैं. हर बंदा ऐसा नहीं होता कि बस मार दूंगा फिर प्यार होगा. लड़कियां भी दैट एक लड़की है जो सिर्फ मार खाई जा रही है और रो रही है, और वो आई मीन आई एम ऑल्सो डन वॉचिंग दिस. सो वेन आई चोज सारा, शी इज़ पागल सी बट शी विल नॉट टेक योर बुलशिट. उसने अभी पीछे भी उसके एम्प्लॉयर ने बदतमीजी करने की कोशिश, उसको थप्पड़ मारा, वहाज को थप्पड़ मारा, रूमी को एक थप्पड़, कल तो उसका कोई एडिट भी बना हुआ था थप्पड़ों का. दे वर लाइक 5-6 स्लैप्स. या सो आई वाज लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले अ गर्ल. पता नहीं इट विल डू वेल और इट विल डू ग्रेट और व्हाटएवर, बट कभी हमारी आने वाली जनरेशन या कोई भी वो कुछ खोल कर देखेगा तो दे विल सी दैट वी यू नो वी बिल्ट अ बॉडी ऑफ वर्क दैट वाज विच वी प्लेड आवर पार्ट एट लीस्ट. बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सारा का कैरेक्टर, क्योंकि जहाँ वो गलतियाँ कर रही है लेकिन वो कोई इनडिसेंट हरकत नहीं करती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश कि लड़कियाँ एम्पावर्ड हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, विदाउट क्रॉसिंग सर्टन लाइन, विदाउट इवन शोइंग सर्टन काइंड ऑफ बिहेवियर. जैसे मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब एम्पावर्ड वुमेन को हमेशा बड़ा एग्रेसिव दिखाया जाता है, जबकि सारा नहीं है. सारा के वीकर मोमेंट्स आते हैं जब वो बहन के पास रो रही है. इधर भी उसने अपने बॉस को बड़े तरीके से बात की, ऐसा नहीं किया कि वो एक ऑफिस में एक हंगामा मचा के चली जाए. यू नो वो जब बिल्कुल एच पे पहुंची फिर उसने इस्तीफा दिया, रेजिग्नेशन दिया और फिर वो निकली. सो आई अप्रिशिएट दैट अबाउट हर. हाँ बस थोड़ा सा हम कहते हैं यार इतनी गलतियां ना करो, संभल जाओ. बट आई गेस दैट्स हाउ हर कैरेक्टर, दैट्स हर लर्निंग प्रोसेस ना. अब रियल वर्ल्ड में आई है, सारी प्रॉब्लम से गुजरेगी तो उसको एक्सपीरियंसेस होंगे. साद आपको ज़हीन को प्ले करने के लिए क्या चैलेंज था? बिकॉज ही इज टू गुड एंड बट ही इज वेरी सटल. आई डोंट सी यू एग्जैजरेटिंग एनीवेयर अदर देन मे बी एक या दो जगह पे. मुझे कहीं आई एग्जैक्टली नो कि वो एक दो जगह कौन सी है, बट वहाँ पे शायद रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे. या तो क्या दो तीन पॉइंट्स थे आपके जहन में जब आप इसको परफॉर्म कर रहे थे कि मुझे, बिकॉज ज़हीन का कैरेक्टर एक बड़ा स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जैसे हम बात करें उसकी सर्टन वैल्यू, सर्टन फील है जो आपको कम्युनिकेट करनी है. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी व्हाइल डूइंग दैट कैरेक्टर वाज के उसके स्पेसिफिक वर्ड्स हैं. उसका नाम ज़हीन है और वो ज़हीन मतलब उसकी पर्सनालिटी ट्रेट है ये. ठीक है, तो उसको उसी तरह की उर्दू बोलनी थी जो लिखी हुई थी. तो मेरे लिए वो पॉजेज और वो स्ट्रेसेस, वो उस तरह की उर्दू बोलना और उसको फील में लाना, और वो फील भी ऐसी कि सटल होना चाहिए, वो सिर्फ यहाँ पे आना चाहिए, आँख में होना चाहिए वो. तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था. तो आई हैड टू लाइक चेंज माई वॉइस फॉर दैट कैरेक्टर. मैंने अपनी वोकल टोन पे बड़ा काम किया था वाइल डूइंग दिस कैरेक्टर. तो मुझे ज़हीन को लाइक जीने के लिए ना मुझे उस तरह से बात करनी पड़ी. और वो तलफ्फुज और वो सब करना, डिलीवरी भी उसमें मेरे डायरेक्टर का बहुत हाथ था. वो मुझे गाइड करते थे सेट पे कि इस तरह बोलो और ऐसे बोलो. इवन वंस आई वाज सिटिंग विद नदीम बेग, ही टोल्ड मी के यार इसको जब तक तुम फील से नहीं करोगे ना, जब तक तुम्हें यहाँ पे फील नहीं होगा एवरी सिंगल डायलॉग, तब तक तुम इस कैरेक्टर में नहीं आओगे. एंड इट हैपेंड आफ्टर लाइक 10-15 एपिसोड्स
और कोई 20 या 30 सीन्स करने के बाद आई रियलाइज कि अच्छा ये ज़हीन ऐसे आएगा. Here are one thing that I really want to appreciate is the wardrobe. मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें कहीं रूमी नजर नहीं आ रही है. Because right now आपके दो ड्रामे चल रहे हैं. रूमी है जो उसका भी कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है और उसका ट्रैक भी बहुत ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट है कि आगे होगा क्या रूमी के साथ, रूमी और वकास की क्या स्टोरी चलेगी. सो हमें कहीं भी सारा में रूमी नजर नहीं आ रही है. मैं एक ये बात अप्रिशिएट करना चाहती थी. एंड द वार्डरोब जो आपने पूरी मेंटेन की हुई, एक स्पेसिफिक एक फील. एंड बाय द वे आई एम लविंग सम ऑफ योर टॉप्स. आई वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड यू. टेक देम, ड्रामा इज ओवर, टेक देम. ये मुझे ये वाला, ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कट बड़ा अच्छा लग रहा है. बहुत मेहनत मुझे लग रही है दैट यू रियली. So what made you come up with this kind of dressing? आपने डायरेक्टर के साथ बैठ के डिसाइड किया या आपका अपना इनिशिएटिव था? एनीथिंग दैट यू कैन शेयर विद अस. व्हेन आई साइन द स्क्रिप्ट, द डायरेक्टर एंड द टीम सिग्मा की, दे वर वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग दैट यू हैव टू लुक कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड दिस उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम से मेरे कुछ प्रोफेशनल शूट्स निकाले थे. देयर लाइक यू हैव टू लुक लाइक दिस. तुम्हारा घर का भी जो है ना, यू हैव टू लुक ग्लैमरस. तुम सो क्यूट हो, यू, इट्स ऑल अबाउट ग्लैम ग्लैम ग्लैम. तो बस फिर उस पर काम करना शुरू किया. एंड देन वी हैड सम रेफरेंसेज, फिर मैंने खुद से कुछ रेफरेंसेज निकाले. एंड मुझे पता था कि मेरी बॉडी पे किस तरह के कट्स अच्छे लगते हैं जीन्स के और इन चीज़ों के. फिर वो चीज़ें सोर्स की और अब मेरे पास बहुत कपड़े हैं. जो निकलती है ना कॉलेज से वो ग्लासेस, जहीं तो वहाँ खड़े होते हैं उन पे तो वैसी बिजलियाँ गिर रही होती हैं, हम पे भी गिर रही होती है. ऐसे ग्लासेस डाल के जो सर बाल हिला के वो जो देती है, दैट्स वर्किंग आउट. बट सिर्फ एक चीज़ मुझे है, थोड़ा सा सजेशन है, थोड़ा सा. सोकर उठती है तो यार मेकअप किया होता है, बिस्तर पे लेटी हुई जहीन के घर में, जहीन बेचारे नीचे गद्दे पे है, वो बिस्तर पे है, वो सोच रही है कि इसको मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं परेशान हूँ, जॉब करूँ नहीं करूँ, और मेकअप किया हुआ है थोड़ा सा. वो मुझे लगा वो मेकअप होना चाहिए था आपके हिसाब से. मैं डिफेंड करता हूँ. देखिए कभी कभार नहीं, मोस्टली हमारे ड्रामा शूट्स पे होता है कि आज हमने 13 सीन्स करने, ठीक है, आज हमारा टारगेट अचीव करना है. हमें वैसे भी हम ऑन एयर बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं, तो अब एक सीन होगा जिसमें फुल तैयार इसका होना लाजमी है, ठीक है, और हमारे पास टाइम जा रहा है, और उसके बाद वो सीन होगा जिसमें ज़हीन नीचे गद्दे पे सोया था और ये ऊपर, ठीक है, उसके फौरन बाद फिर से तैयार होके कहीं पे जा रही है, ठीक है. तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, बट हम ये सजेस्ट जरूर करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे कॉल हमारी नहीं होती है, डायरेक्टर की होती है, और कभी कभार हमें भी ये मैनेज करना पड़ता है क्योंकि टाइम जा रहा होता है. बट बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब अभी हमने एक रिसेंटली सीन शूट किया, कल की बात है, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वो अभी आया नहीं होगा. तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, तो ये मुझे कह रही थी बार बार कि कर लो यार टिश्यू, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा कर लो. मैंने कहा नहीं, ये यहाँ पे पसीना अच्छा लगेगा. तो बहुत सारी जगहों पे इवन इफ यू लाइक वांट टू डू समथिंग, तो वो चीजें सिर्फ हमारी से नहीं होती, आपकी एक वो एक हद तक होती है, बट देयर लॉट ऑफ पीपल यू नो. वो कभी इस पे ना एक डिटेल्ड नहीं, मैं तो डिटेल नहीं, मैं तो अभी कह रही हूँ, हूएवर इज लिसनिंग, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस जब हम देख रहे होते हैं, बिकॉज वी वांट टू फील फॉर सारा एंड वी वांट टू रियलाइज हर यू नो जिस सिचुएशन में है, उसकी जो स्ट्रगल है. लेकिन जब हम उसके इतने मेड अप आईज देखते हैं तो थोड़ा अफेक्ट कम हो जाता है. सो आपकी इतनी मेहनत पे अफेक्ट हो रहा है, मैं तो आई एम गोना बी वेरी दैट इज वेरी स्वीट, वेरी वेरी upfront and very honest about this, because because the idea is to improve what of is course. happening. Yes, always. We will only cry with Sara when we will connect with her. But you know, if I became fan of her because I could connect with her over the time, तो मुझे ये थोड़ी सी चीजें pinch कर जाती हैं. But and I appreciate इसे ज़हीन का, I can see कि उसमें भी वो black shirt उसने बड़ी use की हुई है शुरू में जब वो driver drivery कर रहा था, फिर उसकी भी थोड़ी सी हमने wardrobe change देखी है. So and subtle colors हैं. He's not glamorous. He's very simple, but he's not badly dressed कहीं भी, वो बिल्कुल ही वो नहीं हुआ, वह अच्छा लगता है, you know. So I, we are noticing all these things and we are appreciating these small things also. बड़ा time लगता है इन बालों पे, इनके उनको तैयार होने में लगता है time. जी जी, मैं इनसे जल्दी तैयार हो जाती हूँ, because now मैं कर रही होती हूँ अपना makeup. अच्छा, आप मुझसे जल्दी तैयार हो जाती हैं, आप घर से भी आधा तैयार होके आती हैं और फिर आप वहाँ पे आके और तैयार होती हैं. क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपको एक घंटा और लगेगा, आपके जब बाल बनना शुरू होते हैं, जब आपका मेकअप शुरू होता है, तो उसमें बहुत टाइम निकल जाता है जी, इसलिए ज़हीन बहुत अच्छे लग रहे होंगे. अच्छा मुझे बताएं, पहला सीन कौन सा शूट किया था आप दोनों ने? हमने आई थिंक ज़हीन हाउस का ही शूट किया था क्या? कौन? हाँ, ज़हीन हाउस का.
जब मैं मुझे याद है जब मैं घर मैं मुझे से, भी सब याद है मैं बताता हूँ बताएं उसमें क्या मजे का था कुछ स्ट्रेस हो रहा था पहली बार एक दूसरे के साथ एक सीन शूट कर रहे हैं दोनों आपस में वो तो यूजुअली सबके साथ होता है वो तो हर इंसान के साथ आप पहला सीन कर रहे हो तो होता है क्योंकि वी नेवर मेट बिफोर ना उस सीन से पहले हम लोग कभी भी नहीं मिले थे थोड़ा बहुत अच्छा सॉरी बीच में ही मैं काट करके दूसरी तरफ चली गई बट थोड़ा यू वुड नो अबाउट ईच अदर राइट तो थोड़ा और रिसर्च की थी अच्छा हीरा ने क्या किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ साथ ने क्या किया कुछ ऐसा मैंने तो पूछा था कि आई थिंक इट वॉज मी एंड सनम थी वहाँ पे और दुरे थी वहाँ पे ठीक है तो मैंने पूछा कि हीरा कैसी है तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा काम करती है देन आई सॉ यू इन फांस मैंने फांस में देखा था तुम्हारा काम और अहमद कामरान के साथ काम किया तो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हुई होगी और फिर जब हम पहले सीन में गए तो पहले सीन में आपको पता लग जाता है कि कौन कितना काम कर सकता है ठीक है तो द ओनली थिंग दैट वॉरिड मी वॉज के ये रूमी के कैरेक्टर में थी ओके ये मेरे हम सफर कर रही थी उस वक्त तो और थोड़ा बहुत रूमी नजर आता था उस वक्त तो इसने भी थोड़े टाइम के बाद वो सीख लिया कि नहीं नहीं दे आर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स यहाँ पे मेरी टोन और यहाँ पे मेरी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी अबाउट हिम मैंने इंस्टाग्राम खोला था मैंने कहा था अच्छा देखते हैं क्या है पता नहीं आएंगे सेट में क्या सीन है यहाँ तो बड़े बैड बॉय लग रहे हैं और इनके काम इनके प्रोजेक्ट्स का मुझे पता था क्योंकि मैं वैसे मैं इनको जानती थी सो व्हेन ही केम ऑन सेट तो फिर मैंने क्योंकि इनके इंस्टाग्राम से ना आपको बड़ी वेरी प्रॉपर एंड वेरी कूल एंड व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग एंड ही डिड द फर्स्ट सीन आई वाज लाइक नो वी इट विल और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हम लोग फिर सीन बनाते हैं बैठ के अब हम सीन बनाते हैं वी हेल्प ईच अदर आउट के ये वाला सीन यहाँ पे तुम ये फील दोगे यहाँ पे ये रिएक्शन होगा फीडबैक भी देते हैं दूसरे को कैसे इंप्रूव कर लो एंड नाउ ही इज अब तो हमारे ड्रामे से आई थिंक काफी पहले ये होना शुरू हो गया था दैट ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर माय क्यूज and then I make sure that I'm always standing for his cues because वो आपको एक energy आप दीवार को देख के expression दे रहे हो और आप एक इंसान को और हमारे scenes भी इस तरह के होते हैं कि जब आप दीवार को देख के expression दे रहे होते हो तो वो feel ही नहीं आती आपको पता नहीं आप लोग कैसे करते हैं seriously जो दीवार या सामने डंडे को देख के I really हमें बहुत बुरा लगता है वैसे ये बहुत बुरा लगता है मुझे लगता है इतना challenging है ये चीज इतनी challenging है and hats off to you guys for doing that you know whenever you have to do it and in between the scenes अब तो हमारे साथ ये भी होता है कि अगर हमें लगे ना कि एक दूसरे की लाइन ठीक नहीं है तो हम सीन के बीच में ही ना उस चाहे इसका सोलो हो रहा हो लेकिन सीन कौन सा था पहला वाला जिसमें मैं घर छोड़कर जाती हूँ अच्छा वो सूटकेस लेके जो निकल रही है नहीं जिसमें मैं अभी पहली दफा घर छोड़कर जाती हूँ और इन लोगों के घर आती हूँ रात को वहाँ पे रुकती हूँ जिसमें मैंने मरून कलर की मेरी एक कंटिन्यूटी थी देखो कंटिन्यूटी याद है मुझे हाँ मुझे भी याद है मुझे और वो ये नाश्ता लेकर आते हैं पहला सीन एग्जैक्टली वो था कि वो मेरे पास आते हैं और मुझसे बात करते हैं तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझसे शादी करके तुम मुझ पर चांस मार लोगे ये वाला सीन था हमारा पहला कोई वाकया है उस पे कोई किस्सा हमारा उस सीन का तो कोई वाकया नहीं है बट आई थिंक वी हैव बीन शूटिंग सिंस जनवरी नाउ एंड इट्स बीन लाइक अ मंथ और टू दैट we have started talking like this warna hamare paas to shayad ek dusre ke instagram pe bhi hum ek dusre ko follow nahi kar rahe the it was very like professional because hum logon ko kaam pe hum dono hi bahut focused hain hum jab starting mein tha hum kehte the scene humne prepare karna hai lines kar le proper kaam karna hai फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कैरेक्टर में आ ही जाते हो यू स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर तो फिर हमारे पास इतना मार्जिन होता था कि यार लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स ठीक है लेट्स जस्ट मेक ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि पहले तो सिर्फ आप काम को समझ रहे हैं कैरेक्टर को समझ रहे हैं वो हो गया देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द रियल पर्सन उससे पहले तो यू ट्राइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड योर वर्क यस आई नेवर थॉट अबाउट इट यू नो और पता है कुछ आप इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर वर्किंग विद कुछ लोग द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट हर शी वाज वेरी प्रोफेशनल ठीक है ये भी सीन में थी और ये थी मैंने कहा अच्छा ठीक है वी हैव टू लाइक डू इट लाइक दिस क्योंकि समटाइम्स यू डोंट नो ना हाउ द अदर पर्सन इज तो विद हर इट वाज लाइक अभी प्रोफेशनल काम करते हैं ठीक है तो मैं खुद भी ऐसा ही हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको पहले यू हैव टू क्रिएट दैट बॉन्ड एंड यू हैव टू मेक दैट केमिस्ट्री सो दैट इट कम्स ऑन स्क्रीन लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल सानिया सईद बहुत वी नो हाउ गुड शी इज ठीक है तो उनका एक बहुत अच्छा ट्रेट है कि वो पहले आपके साथ बॉन्ड बनाती शी मेक्स दैट कनेक्शन विद यू एंड देन यू स्टार्ट डूइंग द लाइंस फिर आप उनका बेसिकली शूट से पहले एक होमवर्क होता है जो उनके साथ किया जाता है और फिर आप शूट पे जाते हो
तो कुछ लोगों के साथ वो काम करता है, कुछ के साथ प्रोफेशनलिज्म और कुछ के साथ दोस्ती, जिनके साथ आप जिनको आप जानते ही नहीं हो. अब इफ ही थॉट, आई वाज आल्सो लाइक देख रही थी कि क्या सीन है. मैं जब एक बंदा ही इज आल्सो डूइंग दिस काम से काम एंड आई एम आल्सो, अब मैं कैसे जाके वो कहेगा ये क्यों फ्री हो रही है मेरे साथ, मतलब व्हाट डू यू वांट. लाइक सो 7-8 मंथ्स वी वर लाइक दिस, वी डिडंट स्पीक टू ईच अदर. कैसे आईज कैसे ब्रेक हुई, किसने पहले आईज? आई डोंट रिमेंबर. 7-8 मंथ्स तो नहीं है, राइट? 5 मंथ्स. आफ्टर दिदानी आई टुक योर नंबर एट व्हेन वी वर शूटिंग दैट प्रोमो, कि मुझे पिक्चर्स भेज देना, दैट्स इट. गडानी वाज द आइस ब्रेकर. नो, गडानी क्योंकि 24 घंटे का शूट था. We didn't even talk there. Oh my goodness. Did we? No, we didn't. Don't lie. I remember. यार हम इतनी देर तो हम उसमें वो लाल गाड़ी में बैठे रहे थे. White lies. मैं बताती हूँ, जब ड्रामा ऑन एयर भी गया ना, I messaged him. कुछ ना हमारे इंटरनल मसले चल रहे थे ड्रामे के, तो मैंने इनसे कहा यार ये देखो ये अच्छा नहीं हुआ, जब ऑन एयर हुआ था ना चुप करो. मैं बताती हूँ ये गलत बताएंगे. तो मैंने इनको एक मैसेज किया कि यार ये नहीं होना चाहिए था ना, जब कुछ प्रोमोज का वो हुआ. And he didn't reply. Oh, he did not reply. I still have that conversation. That's so unfair. फिर मैंने कहा full time attitude दे रहे थे. नहीं attitude दो. फिर मैंने कहा अब तो मैं इससे बात नहीं करूँगी. अब ठीक है. लेकिन फिर नहीं. फिर I found out later that this is like. अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम्हें मेरी help की ज़रूरत थी, जब भी तुमने कोई चीज़ तुम्हें नहीं पता और मैंने तुम्हारी हेल्प ना की हो. कह रही हूँ ना, आगे बोलने तो देना. मैं यही कह रही हूँ कि मतलब लेकिन पहले ना भूल नहीं सकते. उन्होंने आपसे बोला, आपने जवाब यार मैंने तो काम की बात की थी. काम की बात की थी. मैं भूल गया क्या? मैंने तो आपके ड्रामे की हीरोइन है साथ. एग्जैक्टली. तो फिर आप भी थोड़ा की मुर्गी दाल बराबर है यार. एग्जैक्टली. ओह आई फील फॉर यू यार. फिर मैंने कहा ठीक है, अब हम भी बात. मैं वैसे बड़ा प्रोफेशनल हूं इस मामले में. जवाब ही नहीं किसी को. मुझे ऑनेस्टली ये याद भी नहीं है. हाँ नहीं होगा तो खैर. बट मुझे कोई हेल्प चाहिए होती है या कुछ पूछना होता है या कुछ भी, हम लोग अपनी सीन्स की तैयारी कर रहे होते हैं या कुछ गलत हो जाता है, वेर यू नो कि अच्छा यू नीड द सपोर्ट ऑफ योर को एक्टर, तो ही इज ऑलवेज देयर. वो वाली एक चीज है. कौन सा सीन सबसे मुश्किल था करने के लिए, चैलेंजिंग अब तक जो शूट कर चुके हैं आप लोग? काफ़ी थे. आई विल टेल यू समथिंग. हम एक सीन कर रहे थे जिसमें ये प्यार का इजहार करते हैं. अभी जो चला है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए था बिकॉज वो प्लान किसी और तरह से हुआ था, स्क्रिप्ट में किसी और तरह था, बट हमें कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स और इनकी वजह से वी हैड टू लाइक डू इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. सो बहुत रात भी हो चुकी थी, हम लोग थक भी चुके थे. वो क्लाइमैक्स टाइप सीन था जब ये अपनी फीलिंग्स का पहली बार इजहार करते हैं. फिर हमारे दिमाग में ये था कि हम उसको वहाँ पे जाके करेंगे. वी हैड टू डू इट सी व्यू वाली साइड पे, किसी ऐसी जगह, बीच का बेसिकली वो सीन था. एंड इनको वैसी किसी बात का गुस्सा आ गया कि ये क्यों, हम इतना प्यारा सीन ख़राब हो जाएगा और हम कैसे करेंगे, और हमारे पास टाइम नहीं था उसको करने के. ही वॉज एब्सोल्युटली राइट. लाइक वो बिल्कुल, बिकॉज ही टेक्स हिज सीन्स वेरी सीरियसली. इवन आई डू कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं ख़राब होनी चाहिए, बाकी चीज़ें इधर उधर ख़राब हो सकती हैं. तो बस फिर वो, अब वो चैलेंज ये था कि वो हमने करना था. तो फिर हम ने बात की कि नहीं साथ वी शुड लाइक ट्राई, फिर देखते हैं कि कैसा आता है. बट जब ये सीन में गए हैं और हमने वो सीन करना शुरू किया है, तो वो इतना नेचुरल और इतना अच्छा और इट वेंट रियली वेल. उस दिन इसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था वैसे. आई वाज वेरी एंग्री बिकॉज आई वाज Disappointed. It was disappointed, and then you know, आपको कभी कभार मैनेज करना ही पड़ता है. Like previously, I said the same thing ना. तो मैंने मुझे वहाँ पे हुआ कि यार this is very important scene. यहाँ पे मेरा character जो है वो जैसा अब होने जा रहा है ना, वैसे कभी भी नहीं करेगा. The way it's written, it should be done like that. तो क्योंकि मेरे character की arc वो उस पॉइंट पे जाएगा ही इसके एक एक्शन की वजह से. और वो एक्शन वहां पे वो नहीं आ रहा था. तो वी हैड टू बिल्ड समथिंग. देन शी केम अप टू मी एंड शी सेड कि यार साथ देखो, गुस्सा नहीं करो. क्यों ना कर लो, ठीक है, तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस है. मैंने कहा एंड देन आई डिड दैट सीन, और फिर इसने मुझे कहा कि तुमने कितना अच्छा सीन किया. क्या आपने सही बात बोली ना, तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस. आपने सही बिल्कुल सही जगह सही समझाया कि सीन और नो सीन सिचुएशन, इट्स यू, योर परफॉर्मेंस, गुड जॉब, नाइस. हां आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
कि जब थोड़ा सा हो तो मोटिवेट करें और सही डायरेक्शन में लेके जाएं, जब करना है तो करना है। और आपको एक बात बताता हूँ, मुझे फिर मेरे डायरेक्टर की वीडियो मैसेज आया और उन्होंने उसी सीन को देख के बोला कि साद शाबाश वेरी वेरी गुड। That was the first message. उन्होंने हम दोनों को अलग अलग से मैसेज किया उस सीन के ऊपर, क्योंकि फैसल सर से तारीफ लेना इज लाइक यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने हमें मैसेज किया, उन्होंने कहा कि सीन तुम, और वो मेरा पहले, मतलब मुझे लगता है पूरे ड्रामे के पहले सीन पे मुझे उनका कोई इस तरह का मैसेज आया था, और इनको भी अलग से कि यू गाइस डिड अ गुड जॉब। एंड आई कंप्लीटली फील फॉर हिम बिकॉज़ ही हैज सो मच प्रेशर ऑन हिम, बिकॉज़ आप कल मैंने जो सीन्स किए हैं वो शायद 3 दिन में लगने हैं, वो ऑन एयर जाना है और एडिट भी होने हैं, एडिट भी होना है, कल ग्रेड होना है, हां एवरीबॉडी एवरी सिंगल बॉडी ऑन सेट, लाइक ENG के भी जो मसले हैं ये वो फलाने, वो सबको लेके इस प्रोजेक्ट को खत्म जिस तरह से इन लोगों ने किया है, हैट्स ऑफ टू देम, माशाल्लाह। सो एज अ टीम वी आर वेरी स्ट्रांग। या ज़हीन के दिल में पहले से कुछ कुछ था या वाकई वो धमकी में आके निकाह कर लिया था? मुझे लगता है अपनी भी कुछ थोड़ी बहुत थी। अब उस सीन में बेसिकली ज़हीन को क्या चीज़ तंग कर रही थी, वो ये था कि ये तो मर जाएगी, ये तो इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो अपनी जान ले लेगी। अब या तो जान से जाए, ऑब्वियसली उसको पसंद बोल रहा है। नहीं ऑब्वियसली उसको नहीं, कैसे झूठ, ज़हीन ने कहा यार ये बहुत अच्छा है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कहा उसने, इसको एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा सा तो थोड़ी एक्टिंग कर लो यहां पे, थोड़ा सा तो दिल में था, मुझे भी लगता है शुरू से तो था, बट ही वांटेड टू सेव सारा आई थिंक, यस बट दिल में था, लेकिन वो कभी भी एसन साहब को कभी धोखा नहीं देना था उसने। अगर सारा ये ना कहती कि यार मैं मर जाऊंगी, हाँ। और या मेरी, और वो वहाज के लिए तो उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा, हाँ। या तो वहाज है या मर जाएगी, बीच में मैं ही जबरदस्ती निकाह कर देता हूँ, और आपकी ईद भी हो गई। सैड। मुझे बताएं आप दोनों की एडवाइस करेंगे सारा और ज़हीन को, इफ यू गाइस वेन देयर यू गो लेडीज फर्स्ट, नो नो यू गो लेडीज, मैं कहेंगे मैं बोलने नहीं देती, नहीं 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 मैं ऐसा क्यों कहूं। सारा को आई वुड वांट टू से दैट थोड़ा सा ऐसे, सारा जैसे जो लोग होते हैं ना वो दिल से बहुत सोचते हैं, दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो जज्बाती और जो दिल में आया वो बोल दिया और बाद में रियलाइज करते हैं कि गलती हो गई। सो आई थिंक दैट शी, बट दैट ऑल्सो कम्स विद एज, ठीक है, आप जब बचपन में होते हो तो आप ऐसी हरकतें ही करते हो, बट शी नीड्स टू लाइक यू नो थोड़ा सा सोच समझ के ज़िंदगी में फैसले ले, बिल्कुल, बट अगेन दैट कम्स विद एज एंड टाइम, वो वाला सीन है। सो आई वुड वॉन्ट कि वो थोड़ी सी और समझदार हो जाए अपने फैसलों को लेके, ताकि इतनी ठोकरें जो आप कुछ चीज़ें आप ज़िंदगी में ठोकरें खा कर सीखते हो, कुछ आप ज़रा हाँ खुद से सीख समझ के सीख या समझ के सीख सकते हो। व्हाट वुड यू से फॉर ज़हीन? आई वुड से कि और भी बड़े तरीके होते हैं लोगों को फंसाने के। मैं तो कुछ नहीं कह रही, खुद ही आपने कहा है, मैं तो शुरू से कह रही थी। तो जिस तरह शाजमा और बहाज को और भी बड़े तरीकों से ये फंसा सकता है, इतना लाइक ज़हीन है ना, तो लेकिन अब उसका कैरेक्टर ऐसा है कि ही इज़ वेरी प्योर, तो वो कभी खुद गलत काम नहीं करेगा, और वो ऑडियंस को भी यही सिखाना चाह रहा है कि अच्छाई के रास्ते पे चलो, चाहे वो कितना मुश्किल, चाहे वो जितना भी मुश्किल हो। आप दोनों इंडस्ट्री में आप रिलेटिवली न्यू हैं, आपको फिर भी काफ़ी 2015 में यू जॉइंड इंडस्ट्री, राइट, यू जस्ट रिसेंटली जॉइंड, तो लेकिन अगर एज न्यू कमर्स या न्यू एंट्रेंस में बात करूँ, एक थोड़े से पुराने न्यू कमर, एक थोड़े से न्यू कमर, कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे उस पर योर ओपिनियन या योर एक्सपीरियंस सो फार वो कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं बोलूँगी रिस्पेक्ट, क्या जो न्यू कमर्स आते हैं उनको इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट मिलती है, कितनी मिलती है फ्रॉम नॉट जस्ट द पीयर्स, जो आपके और सीनियर्स हैं उनसे भी, जनरली आसपास की इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, वो टेक्नीशियंस भी हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं, किस हिसाब कितनी मिलती है, नहीं मिलती है, वो हार्ड वर्क करना पड़ता है, व्हाट्स द सिचुएशन लाइक, एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री, क्योंकि आई थिंक हम हमेशा बात करते हैं बड़े एस्टैब्लिश एक्टर्स से, लेकिन जो लोग नए हैं और जो ज्वाइन कर रहे हैं इंडस्ट्री को, उनके स्ट्रगल्स और उनकी जो एक्सपीरियंसेस उसके बारे में कम बात होती है, एंड आई थिंक विद द टू ऑफ यू सिटिंग हियर इट्स एन आइडियल सिचुएशन कि हम इस पे भी थोड़ा सा टच करें। आप इट्स अ टू वे स्ट्रीट ना, आप रिस्पेक्ट दोगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। मेरे से तो मेरे करियर में शुरू से ही आई हैव बीन वेरी रिस्पेक्टफुल, चाहे वो स्पॉट वाला हो, चाहे वो DOP हो, चाहे वो कोई भी हमारे सेट पे इंसान, ठीक है,
तो मुझे कभी ये इश्यूज नहीं आए, और मैंने जितने भी और न्यू कमर्स को देखा है, जितने वो रिस्पेक्टफुल हैं उनको उतनी ही रिस्पेक्ट। बट कभी कभी साथ ऐसा होता है ना, आप तो होते हैं लेकिन दूसरी साइड से आपको वो नहीं रेसिप्रोक्रेट किया जाता है, और यार ये तो नया है, चलो ये कर लो वो कर लो, कभी ऐसा होता है? आप तो अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, आप तो रिस्पेक्टफुल ही हैं, सो मैं उस सेंस में कर रही थी कि दूसरी साइड से क्या इमीडिएटली ऐसा होता है, ये गिवन है कि मिलेगा, या आपको थोड़ी देर मेहनत करनी पड़ती है, रिस्पेक्टफुल होना पड़ता है, फिर जाके आपको भी जवाब में वही रिस्पेक्ट मिलती है? आपको इंसान का पता लग जाता है, ठीक है, आप उसकी वाइब कैच कर लेते हो किस तरह का है, और फिर ऑनेस्टली हमारे पास ना अब इंडस्ट्री में इन चीज़ों के लिए ना वक्त नहीं होता। हम फॉर मी, मैं तो काम पे फोकस करता हूँ, मुझे अगर कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करिए ना मेरे काम से, आई कम्प्लीटली ब्लॉक इट। सो आई वुड बी, इफ समवन इज़ नॉट गिविंग मी रिस्पेक्ट, एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम इफेक्ट होगा, ठीक है, मैं अगर उसको हावी कर लूँ अपने दिमाग पे और मैं बोलूँ कि यार इसने मुझे सलाम नहीं किया और अब मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई एनर्जी ऑन दैट, आई वुड जस्ट फोकस ऑन माई वर्क, डू माई लाइन्स, डू वट आई एम हेयर फॉर। What's your experience like, Sarah? I feel that when you're a new person, so you have to, apart from, I totally agree to what Saad said, aapko jo jis tarah se when you're meeting like a co-star who's like an established actor, or kabhi aapki kismat hoti hai ki aapko acche log mil jate hain jis tarah mujhe mile hain, but then you also meet people who treat you like ke, oh you are a new person, you don't know anything, so just listen to us. It can be your director, it can be somebody who's in a position of power, because I have heard things like that you are not the typical gori ladki that is a heroine before getting this drama. Yes, that you are not this person. So, abhi to screen pe khoobsurat aaogi to koi aapki kahani sunega, varna. And I swear to God, I went home and I cried. I was like, main kya karu? Main koi kehta injections lagwa lo, koi kehta, halanki I think I'm fine. Even if I'm not, I mean I'm comfortable in my skin. So, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल, मैं ये सोच रही थी कि द फैक्ट दैट समबडी सेड इट ऑन माई फेस विद नो फिल्टर, सो दैट हर्ट मी, और काफ़ी सारी इस तरह की छोटी छोटी बातें हो जाती है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दैट अगेन इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क एंड इफ यू फील दैट यू नो ये जो स्क्रीन है इट इज़ जस्ट नॉट लिमिटेड टू दिस स्क्रीन, यू अब तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए हैं, बहुत आप आगे जा सकते हो। सज्जल अली रिसेंटली वेंट एंड मिस मार्वल में हमारी जो भी रिप्रेजेंटेशन हुई, एंड एवरी नेटफ्लिक्स की सीरीज यू वॉच देयर इज, या जॉयलैंड इज अ वेरी बिग एग्जांपल, देयर इज ब्राउन रिप्रेजेंटेशन, सो द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू नाउ। सो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं एज न्यू कमर्स, इट हिट्स यू, बट देन यू लुक एट द बिगर पिक्चर एंड यू आर लाइक नहीं, इंशाल्लाह यू नो बिगर एंड बेटर थिंग्स, और आई ना हीरोइन बन गई ना माशाल्लाह से। अच्छा एक चीज और मैं ऐड करता हूं इसमें, आप हमारी इंडस्ट्री में आप सिर्फ अपने काम से पहचाने जाते हो। या ऐसे ही? Really, you think so? हाँ। I would disagree. आप जितना अच्छा काम करोगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको आपके काम को सराहा जाएगा, ठीक है, अगर आप बुरा काम करते हो, आई मीन यू आर ऑन कैमरा बाय द वे, यू नो दैट, सॉरी आई एम सो सॉरी, आई डोंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट आई कुडंट हेल्प इट, आप इतना चीज बोले, शी लाइक नहीं काम से नहीं बजाने जाते। सही कह रहे हो मैं आपको बहुत मुश्किल से सीरियसली ले सकती हूँ साथ, क्या करूँ? ओके, गोइंग बैक टू सॉरी सीरियस जी, तो अब व्हाई वुड यू डिसएग्री के काम से नहीं बजाने जाते? क्योंकि आई थिंक बहुत और शेनानिगंस के लिए भी लोग पहचाने जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, आई थिंक सो, लेकिन रिस्पेक्ट किसकी होती है? हाँ, उन्हीं की होती है अल्टीमेटली। आपसे सवाल, मेरा इंटरव्यू नहीं है, बट यू डू एग्री कि अगर आपका काम अच्छा है तो फिर आपको लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सो आई फील यू हैव टू हैव दिस माइंडसेट कि आप लंबे रेस के घोड़े हैं, और आप आंखें बंद करके वो घोड़े ब्लाइंडर्स यहाँ लगा देते हैं, एंड यू जस्ट फोकस एंड यू जस्ट कीप रनिंग एंड जस्ट कीप डूइंग योर वर्क एंड इवेंचुअली एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। कुछ लोगों के लिए वो within 1 kilometer हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए शायद वो 50 kilometer में हो। That's your luck that I feel. So it does work out, but it's a long race I feel, which is a sad thing because it shouldn't be that way. Yeah. But talent doesn't always win immediately, but I do believe it wins eventually. Eventually. हाँ, मैंने कितनी philosophical बात। Wow. ये तो quote होना चाहिए। It should go as
ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे कोट करती हूँ, यू शुड करती हूँ, भूल ना जाऊँ मैं, मैं याद करा दूँगी, मुझे इनका इंटरव्यू करना चाहिए, देखा कितनी अच्छी अभी केमिस्ट्री बन रही है, सबका करना चाहिए आपको। सो अब सेकंड गाइडेंस मिलती है न्यू कमर्स को और कितनी मिलती है या नहीं मिलती है? नो नहीं मिलती। आई विल टेल यू समथिंग, अच्छा सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, आई थिंक रिस्पेक्टफुली हम हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं चीज़ें, बिकॉज अगर इंडस्ट्री में 100 लोग हैं जिसमें से 80 शायद नहीं गाइडेंस दे रहे हैं, मैं वही बोलने लगी, लेकिन दे विल बी 20 हु विल कम टू दिस इंटरव्यू, आई विल टेल यू, एंड दे विल मेक श्योर कि वो और ज्यादा करें। आई विल टेल, सानिया सईद इज वन एग्जांपल, राइट? सो नो दैट देयर इज नो गाइडेंस कि यहाँ तक आना कैसे, यहाँ तक पहुँचना कैसे, टू हाउ टू गेट टू अ प्रोडक्शन हाउस, बिकॉज वी डोंट हैव लाइक फॉर्मल इंस्टीट्यूट जो बच्चों को पढ़ा कर यहाँ तक आप आ सको, बिकॉज वेन पीपल आस्क यू कि आपको एक्टर बनना है तो इस टीवी की स्क्रीन तक जाना कहाँ, यहाँ तक की कोई गाइडेंस नहीं है, ठीक है, बट वंस यू नो यू फिगर आउट योर वे एंड योर हेयर, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई विल टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस दैट आई हैव बीन वेरी लकी टू बी गाइडेड एंड टू लर्न फ्रॉम माई अपने को एक्टर से लेके डायरेक्टर से लेके प्रोडक्शन हाउसेज में जो लोग बैठे हुए हैं, देर ऑल नॉट स्कैरी पीपल, देर ऑल नॉट कि वो आपको भगा देंगे कि चलो यहाँ से चले जाओ, इफ दे सी द पोटेंशियल इन यू एंड इफ दे सी दैट यू आर टैलेंटेड दे विल टेल यू व्हाट टू डू, एंड सो देर इज गाइडेंस अवेलेबल। सैड बात यह है नए लोगों के लिए कि उनको बस ये नहीं पता कि यहाँ तक आना कैसे है, ओके, सो दिस इज अ पार्ट दैट आई थिंक दैट वी लैक and this is something that can be worked upon. Maybe Hira, aap apne Instagram pe kuch kar sake batane ke liye jo aapke followers hain unme se kisi ko koi ek do steps share kar sake ya kuch kar sake, now because aap log hi kar sakte hain na, ha ki ye possibility hai ye kar le wo kar le, because I also don't know, mujhe bhi bahut log message karte hain, but I also don't know how to help those people. I mean now in this time and age Instagram has become everything. Like I got casted in Woh Pagal Si because of some of my Instagram pictures. Lekin aap already thoda sa already I was on their radar. Yes. So you have to go to talent agencies. We have a lot of them. Like maine Citrus se shuru kiya. I to started with Weed only, but then I went to Citrus and then I started talking to people. So Citrus ke baad maine commercials kiye, wahan se main aur logon ko janna shuru hui. Then I started messaging some of the directors on Instagram ke you know I want to work with you, I admire your work or whatever. Uske baad then I had some friends in the industry also jo pehle se hi aa chuki thi and they helped me to get to these production houses. Warna aap google kar sakte hain har production house ka, har aap directors ko google kar sakte hain jo production houses mein kaam karte hain ya jo unke production heads hain, so you can always drop them a message that I want to come for an audition and you can go for an audition and you know, isse mujhe bhi kafi logon ne share kiya ki auditions hote hain jiske liye aap ja sakte hain, so if you can somehow find out from the production house ki kab ho raha hai ya aap kaise kar sakte hain, to you might, there's no series of event jahan pe ho raha hota, you just have to grab a meeting, you go there, you meet them, they'll take your audition and जी मैं हमेशा से अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, कोई मेरे से अगर मेरे पास न्यू कमर आता है या कोई कहता है कि मुझे इंडस्ट्री में आना है, मुझे मैं एक टैलेंट हंट में सेलेक्ट हुआ था और मैंने वहाँ पे एक ऑडिशन दिया था, ऑडिशन के बाद मुझे बोला गया कि आप कराची आते हैं, जी मैं कराची पहले कभी भी नहीं आया, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम आई केम टू कराची, कराची आके मुझे एक्टिंग कोचिंग दी गई, एट दैट टाइम आई थिंक ANB होता था, ANB में मेरी एक्टिंग कोचिंग होती थी, और फिर वहाँ से मुझे काम मेरे अपने हार्डवर्क पे मिला, मेरी अपनी लगन पे, मैंने कितना सीखा खुद से और मैं कितने ऑडिशंस खुद देता था, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि यार आपकी अपनी जर्नी होती है, आपको गाइडेंस तब मिलेगी जब आप गाइडेंस सीख करोगे, जब आपकी अपनी लगन होगी सीखने के लिए, और हमारी इंडस्ट्री में एज एन एक्टर आपकी ना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप एक एक चीज़ जहाँ पे आप लैक करते हो ना, यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन जो कि वो वॉइड फिल कर सके, ठीक है, किसी भी डायरेक्टर की कोई ना कोई क्वालिटी आपको आपके क्राफ्ट में हेल्प करती है, ठीक है, चाहे वो सिंगल क्वालिटी हो चाहे वो दो क्वालिटीज हो, लेकिन यू हैव टू लाइक ग्रैब इट एंड देन यू हैव टू लाइक यूज इट एज अ टूल, तो गाइडेंस हमारे पास बहुत है, आपको खुद को रियलाइज करना है कि मैंने उसको कैसे अपने क्राफ्ट में लेके आना है। दैट्स सो नाइस टू हियर कि यहां पे गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है न्यूकमर्स को? आई थिंक यस। या पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट था, बिकॉज आई एब्सोल्युटली हैड नो कनेक्शंस। आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस राइट नाउ, which can be different for everybody, but mujhe yahi lagta tha that you cannot be a heroine or you cannot have a lead unless you're well connected or you come from or you are gori chitti or whatever, but you do get a break, and I think that
with ARY and Sigma, I am so, so, so thankful and grateful, because I used to go to these other production houses as well, and they were like that, we can't risk a new girl, we can't launch a new girl. And they took that risk and they launched me, even though I absolutely knew nobody. Okay. When I was doing Rumi, they called me that we're doing the script, and I could not believe it. I was like, aap log mazak kar rahe hain. Aap log to aise hi kehte hain na ki nahi aap lead hain, but andar se kuch aur nikalta. They were like, no, no, asal mein aap ye padhe script ko. Wow. So if it happened to me, it can happen to anybody. You said the same thing when you were offered wo pagal si hai na. मेरे साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है. तो देयर आर इक्वल अपॉर्चुनिटीज. आई मीन यू ऑलवेज हैड द पोटेंशियल. मुझे मैंने पहले सीन की जब आप बात कर रहे थे, पोटेंशियल है. इवन आई हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट यू फ्रॉम वसीम अब्बास साहब. वसीम अब्बास साहब ने भी बताया. वसीम अब्बास साहब पता है उन्होंने ना रूमी वाले उस पर मेरे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जब ये पागल सी का कोई जिक्र भी नहीं था कि बेटा मेरी अम्मी बहुत बड़ी फ़ैन है उनकी, तो उनके लिए उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया था कि आपकी बेटी इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगी और बहुत जल्दी हीरोइन बनेगी और ये वो. और उसके बाद जब मैं अभी उनसे लास्ट डे पर मिली दोबारा, मैंने उनको बताया, एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज, एंड ही हैज़ दिस इतनी फादरली और इतनी अच्छी वाइब है उनकी, वो इतना प्यार करते हैं आपको अपने बच्चों की तरह. तो बट आई थिंक ये होगा, अगर आप में पोटेंशियल है, आपके अंदर वो फायर है कि नहीं मुझे बनना है, आई एम हेयर टू स्टे एंड आई एम हेयर फॉर 10-15 इयर्स, तो आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी. ऐसी नहीं हो सकता कि नहीं मिले. ओके, व्हाट अबाउट यू सर? डू फील इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं न्यूकमर्स के लिए? होती हैं, बिल्कुल होती हैं. आपका काम एक सीन से भी लोग पसंद कर जाते हैं, और आपका काम लोगों को एक पूरे एपिसोड के बाद भी नहीं पसंद आएगा. ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें. ठीक है, दिस इज वेरी अगर आपने इसको अपना काम बनाना है, तो आप प्रोफेशनली उस काम को सीखें, फिर आप अपने काम के साथ ना वो ना करें, ज्यादती ना करें. ठीक है, आप सीन में जाएं, सीन को फुली प्रिपेयर करके जाएं, अपना होमवर्क करें. आपका जितना काम है उसका आपने 120% देना है. ठीक है, आप फिर जाके आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ओके, जिसको आप तलाश कर रहे हैं. तो थोड़ा टफ है ये. टफ है. प्रूफ भी तो करना पड़ता है ना लोगों को. इट इज नॉट दैट इजी. तो एक एक मिलना मुश्किल है, और मिल जाए तो फिर आपको जरा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है. टू दो से तीन बातें जो आप न्यू कमर्स जब वो इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई एक नया लड़का या लड़की आए हैं, उन्होंने स्टार्ट किया एक्टिंग, उनको आप क्या दो तीन बातें कॉशन करेंगे या बोलेंगे या एडवाइस देंगे? यू कैन कीप इट इन व्हाटएवर वे यू वांट. मैंने जो अपने सीनियर से सीखा है वो ये सीखा है कि अगेन आई एम गोना से द सेम थिंग, कि आपका काम है, आप उसको पूरी लगन के साथ करें. ठीक है, आपको जो चीज़ें नहीं पता, आप पहले वो सीखें, और फिर आप स्क्रीन पे, आपको मतलब काम करते हुए भी आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलता है. ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको पहले से करके आनी है. लाइक फॉर ए न्यू कमर, लाइन्स आप पक्की करके आए, ताकि उस पर कोई आपको पिन पॉइंट, ताकि कोई ना बोले, ताकि आते साथ ही वो बोल. मेरे साथ हुआ ये. ठीक है, अगर आप पहले सीन में अपने जा रहे हैं और आप लाइंस नहीं भूल रहे, स्ट्रेट अवे द डायरेक्टर वुड से कि यार ये तो मेहनत करने वाला है, और ये तो नहीं, जिसको लाइंस याद है, ये तो मेहनत करने वाला है, और ये आगे जाएगा. सो ये बहुत इंप्रेशन छोड़ता है, ये बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ता है. सीरियस है अपने, के सीरियस है. फिर आप सीन तैयार करके आए, चाहे वो अपने तरीके से किया हो, लेकिन आपकी वो ड्राइव नजर आनी चाहिए. अगर वो ड्राइव नहीं है, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी अगली दफा नहीं मिलेगी. बस ऐसे नहीं चले जाएंगे सेट पे, सब सिखा दें कुछ अपने सब, हाँ, से वो हो जाएगा. ठीक है, हमने एक सीन करना है, क्या हो गया हमारा, क्या है, हम सीख लेंगे ओवर द टाइम. यू विल गेट एन एज अगर आप ऑलरेडी आप अपना होमवर्क करके जाएं, आप अपना कैरेक्टर, चाहे वो एक सीन का कैरेक्टर है, आप चाहे एक सीन के लिए आपको पूरा एपिसोड पढ़ना पड़े, आप मेहनत तो करके आए ना. सही बात है, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में. दिस इज व्हाट यू वुड लाइक टू एडवाइस. आप साथ में सेट पे आने के बाद का बता दिया, मैं सेट पे आने से पहले का बता देती हूँ कि जो अभी सेट तक नहीं पहुँचे हैं और जो एक्टर और एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, आई वुड जस्ट से दैट ऑडियंस आपकी कहीं पे भी होती है. सो आप इस टाइम मेरी ऑडियंस हैं. मैं इंस्टाग्राम पे हूँ तो वहाँ पे मेरी एक चाहे 5,000 की ऑडियंस है, बट वो है. एंड यू एज एन एंटरटेनर और एज एन एक्टर और व्हाटएवर, यू कैन जस्ट यू नो अपना जो भी आपका क्राफ्ट है, जो भी आपका टैलेंट है, उसको पुट इट आउट देयर, बिकॉज यू विल गेट नोटिस्ड. यू विल एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कोई ना कोई चीज़ आपकी क्लिक कर जाएगी, एंड यू विल गेट देयर वेयर यू वांट टू बी. क्योंकि द प्रोसेस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो. जितना मर्जी हम प्रोसेस को हम
शुगर कोट भी करें कि नहीं इट्स ऑल इन द प्रोसेस ऑफ व्हाटएवर, बट इट गेट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग, मेरे से कम टैलेंटेड लोग, मेरे से कम वो उन लोगों को तो अपॉर्चुनिटीज मिल गई, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा. इट विल हैपन एट द राइट टाइम, बट टिल देन ये हेजिटेट नहीं करें कि ये ऑडियंस टीवी की नहीं है और ये ऑडियंस फिल्म की और ये तो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है और ये तो मेरी टिकटॉक की ऑडियंस है. ऑडियंस आपको जहाँ मिल रही है वहाँ आप एंटरटेनमेंट करें. ये तो मैंने भी रख ली अपने लिए, रखी एडवाइस. कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू डूइंग ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, अल्लाह से क्या दुआएं मांगी आपने? आपका तो स्पेशल वाला ताल्लुक है ना, पागल सी स्टार्ट हुआ तो क्या कॉन्वर्सेशन चली? I would like to know. रब्या, मैं आपको पता है मैं कल रात को ये सोच रही थी कि मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगी. जब पागल सी शुरू हुआ मुझे साथ से भी ये कह रही थी कि she said these things in the previous interview ना. Yeah. I saw that. हाँ. पागल सी का जब वो पोस्टर आता है ना सामने, जब वो पागल सी आता है अखियानू तेरी और हम चारों उस पे लगे, मैं वो अभी भी 36 एपिसोड 7 एपिसोड गुजर गए, मैं वो देखती हूँ और मैं कहती हूँ ये मैं हूँ यहाँ अलमिया में, यहाँ आ गई हूँ. दिस वॉज द ड्रीम, यू नो. एंड व्हेनेवर आई एम वॉचिंग द ड्रामा, मुझे हमेशा रूमी वाले करते हुए भी होता था कि यार एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरी कहानी होगी, मैं अपने सीन जरा स्किप कर करके नहीं देखूंगी, मैं पूरा ड्रामा देख रही होंगी, मेरा दिल कर रहा होगा. सो आई कैन नॉट, मैं तो शुक्र ही नहीं अदा कर सकती अल्लाह ताला का, बिकॉज दिस वॉज द ड्रीम. नहीं बट आई वॉन्ट टू नो, जब स्टार्ट हो रहा था तो आप अल्लाह ताला से क्या कॉन्वर्सेशन करी थी कि बस अल्लाह ताला ये हो जाए, ये सीन हो जाए और मुझे ये मिल जाए, मुझे बिकॉज आई नो वी स्पोक अबाउट यू लाइक, मैं तो इतनी सी भी बात पर ये बात करती हूँ और ये भी करती हूँ. सो अल्लाह मियाँ सबसे पहले तो ये वार्डरोब आ जाए, ये कहाँ से आएगा, ये ज्वेलरी, ये सब कुछ, मुझे ये चीज़ें अच्छा सोर्स करनी है, किस पेज से मंगाऊँ, ये करूँ वो करूँ. उसके बाद जब मैं सेट पर जाती थी तो मैं मुझे यही होता था कि अल्लाह मियाँ बस ये जो सीन्स है ना, ये क्योंकि बड़ा प्रेशर होता था. एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड ही टॉक्स विद हिज आइज, सो आई ऑल्सो आई वॉज ऑलवेज वेरी लाइक यू नो आई हैव टू परफॉर्म गुड. तो मैं ये सीन में भी खड़े होते थे, मैं कह रही होती थी अल्लाह ताला कोई बाहर की मदद आ जाए, सीन में मैं चली जाऊँ, मैं कुछ इस तरह से कर लूँ, वो वाली चीज़ें होती थी. ये पहली है जो मेरे साथ सीन में होती है जिसने मुझे कहा कि यार जस्ट लुक इन टू माई आईज वाइल गिविंग योर क्यूज. लोग तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इसे, मोस्टली जो दूसरे एक्टर्स होते हैं दे लुक समवेयर एल्स ना, अगर आप बिल्कुल स्टेयर कर रहे हैं उनकी आंखों में, तो ये कहती है नहीं, तो ये कहती हूं कि देखो बिकॉज़ ही इज वेरी एक्सप्रेसिव दैट वे, सो यू गेट अ क्यू एंड यू आई गेट यू दैट फील फ्रॉम द अदर एक्टर. सो ये वाली बहुत सी बातें भी, अभी आपको पता है कल क्या हुआ, सारी बातें छोड़ें आज, मैं कल अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और ना मैं अपने इंस्टाग्राम पे ना फर्नीचर देख रही थी कि मुझे अपने ना एक अच्छा सा काउच चाहिए और ये फलानी चीज़ें चाहिए, और मैं इसे देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ, मैं अपने दोस्त कह रही हूँ, मैंने कहा यार आई थिंक आई विल जस्ट हायर समबडी एंड यू नो विल डू समथिंग एंड आई सेट अप माई अपार्टमेंट और व्हाटएवर. इज लाइक हाँ हाँ ठीक है, कल आऊँगी तो बहुत ज़्यादा बजट हो गया मेरे पास, तो अभी इतने पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ. मैं सुबह उठी हूँ, आई स्वेयर टू गॉड मैं सुबह उठी हूँ, मैं अभी ये पागल सी का ही मेकअप करा रही थी और मुझे कॉल आई है दैट वी आर डूइंग द शो एंड दिस 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 फर्नीचर प्लेस एंड दे वांट टू गिव यू लाइक फर्नीचर ऑफ सम गर्ल एंड यू जस्ट ब्लॉक द स्टेट. आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वॉज क्राइंग, सुमा वॉज देयर माई मेकअप आर्टिस्ट. Well, she has done a brilliant job. Okay, मेरा नाम नहीं लिया आपने, but Masuma, you have done a great job. Yes. मेरे baby. So, मैं आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज लाइक मासूमा, मैं मेरे इंस्टाग्राम के सर्च पे आ रही हैं अभी वो चीज़ें एंड दिस हैपेंड दिस मॉर्निंग. सो अल्लाह ताला से तो ये वाला कनेक्शन है कि फर्नीचर भी चाहिए तो वो दिल की बात सुन लेते, मुंह से भी नहीं निकाली थी और वो आ गया. मैं दो चार मैसेजेस करूंगा तुम्हें, ठीक है? तो ये भी सोचना, क्या पता कल हो जाए मेरे लिए भी. मैंने मेरा सिर्फ जब भी कोई काम शुरू होता है, पहले तो आई यूज टू लाइक टेल माय मॉम कि अब मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ. नाउ इट्स जस्ट मी एंड डायरेक्टली. तो मेरा ये होता है कि मैंने जितनी मेहनत की है प्लीज़ मुझे उसका फल ज़रूर देना. और मेरी जितनी वीकनेसेस पहले थी मैंने उन पे मेहनत की है, वो दोबारा ना आए, चाहे किसी तीसरे बंदे की वजह से, दूसरे बंदे की वजह से. लेकिन मैंने जिस तरह सोचा है प्लीज़ उसके बीच में कोई रुकावट मत लाइएगा. That's such a nice दुआ. मुझे लगता है ये बातें शेयर करनी चाहिए ताकि लोगों को भी इंस्पिरेशन हो. लोगों ने दुआ को इतना बड़ा ह्यूज वो बना दिया, बट आई रियली लाइक शी सेड यू नो कि छोटी सी भी चीज़ हो ना उसके लिए दुआ मांगे, और जैसा आप कह रहे हैं कि जो भी दिल में आ रहा है वो मांगे. अच्छा थोड़ा सा हल्का फुल्का करते हैं, हम रैप अप की तरफ जाते हुए मैं कुछ सिनारियोज आप दोनों को दूंगी, ठीक है? आपको बताऊंगी वो सवाल, तीन सवाल हैं जो मैंने साथ से पूछे, ठीक है? उन्होंने उसके जवाब दिए, ठीक है? लेकिन मैंने, हमारे पास तीन, एक सवाल के तीन जवाब हैं,
ठीक है, आपने बताना है कौन सा जवाब साथ का जवाब होगा. ठीक है, सेम फॉर यू. ओके, सो आई आस्क्ड थ्री क्वेश्चंस एंड आई हैव थ्री आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन. सो यू हैव टू टेल मी विच वन ऑफ दिस इज मोस्ट लाइकली गिवन बाय हिरा. जितना आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, यू डोंट हैव टू गेट इट राइट. ओके, इट इज बेस्ड ऑन जितना आप लोग जानते हैं एक दूसरे को, उसकी बेसिस पे आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे. इट्स सपोज टू बी फन. ओके, सो मेक इट फन फॉर अस. ओके ओके, साथ मैंने हिरा से सवाल पूछा कि इफ यू लाइक सम गाय वुड यू फाइंड एन एक्सक्यूज टू गो एंड से हेलो टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. ठीक है, और इनके तीन जवाब ये हैं, इनमें से कौन सा हिरा का जवाब होगा. नहीं, आई विल बम्प इनटू हिम, ड्रॉप माय फोन इन अ फिल्मी स्टाइल, अपोलोजाइज एंड देन स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. ये ऑप्शन वन है. नंबर टू है, आई विल गिव हिम अ स्माइल एंड से यू शुड बी एक्टिंग, आई कैन हेल्प यू. एंड थर्ड है, नो वे, आई वुडंट, इन फैक्ट आई वुड वेट फॉर हिम टू कम टुवर्ड्स मी. आई थिंक द थर्ड वन. रियली, व्हाई? इतना एटीट्यूड है हिरा. हाँ, ये ऐसी है, ये कहेगी कि हाँ ठीक है यार, देखते हैं कैसे होता है. हाँ, और मैं बोलूँ उन्होंने सेकंड बोला है कि नहीं, आई बम्प इनटू हिम, फर्स्ट बोला है बम्प इनटू हिम एंड गिव हिम अ फिल्मी स्माइल. क्या बोला मैंने? आप परेशान हो गए? नहीं नहीं, आई थिंक तीसरा वाला ही. या दोनों ने पहले से तो नहीं कुछ कॉर्ड नहीं नहीं तीसरा वाला ही. सही 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 बोला ना. यार हिरा का आंसर था, नो वे, आई वुडंट, आई विल, ही विल बी द वन अप्रोचिंग मी, आई क्रिएट अ सिचुएशन वेयर ही विल कम टू मी. तो फिर मेरा सही हुआ ना पहला वाला, मतलब बोल के नहीं बट विद द एनर्जी. हां, तो मैंने कहा ना, आई विल बम्प इनटू हिम एंड स्माइल इन द फिल्मी स्टाइल. यार जब कुछ अच्छा जा रहा हो कहते हैं हां ठीक है, हां ऐसे ही. नहीं नहीं, यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप. सो आई नो हर. ठीक है, ओके. सेकंड सवाल मेरा, अब मैंने साथ से ये सवाल पूछा मेरा कि आपने अली हैदर का वो गाना सुना हुआ है, बारिश का है मौसम, चले ठंडी हवा. तो अगर वो कोई सीन हो बारिश का है मौसम और साथ ड्राइव कर रहे हैं, उन्हें एक खूबसूरत सी खातून नजर आती हैं कोने पे खड़ी हुई, तो रुक के लिफ्ट देंगे, बेचारी भीग रही हैं, या क्या करेंगे? उनके तीन आंसर्स ये हैं. व्हाई आर यू लाफिंग? पहले से हंसना शुरू कर दिया. नहीं भाई, लेने के देने ना पड़ जाए, ये पहला आंसर है. ठीक है, सेकेंड है, आई विल रिड्यूस माई स्पीड, गो फुल डिटेक्टिव ऑन द पर्सन बट वोंट स्टॉप. थर्ड है, हाँ क्यूट हो तो वाई नॉट, देन मे बी वी कैन गो फॉर कॉफी एज वेल. बारिश एंड कॉफी, क्या बात है. आई थिंक नंबर वन. नंबर वन, हाँ, लेने के देने ना पड़ जाए. यू श्योर? और मे बी नंबर टू. नो, नंबर टू, आई थिंक ही विल चेक ऑन द पर्सन टू मेक श्योर दैट इफ दे आर नॉट इन ट्रबल, बट ही वुडंट लाइक गो एंड बॉदर देम फजूल में. Yeah, ये बहुत boring हो रहा है. They both know each other too well. ये सही था. But she said the first one. First one. और फिर बाद में कहती है नहीं यार, ये साथ ऐसा है नहीं. नहीं लेने के लिए मुझे feel like निकल जाएंगे, छोड़ो भाई, भीगती है तो भीगती रहे. नहीं नहीं नहीं, वो वाली side नहीं है कि ये दूसरी side हो सकती है. But ये he is not that person who will just go and you know के hello आपको help चाहिए. वो तो मैं पता चल रहा हूँ, मैंने आपके पहले message का जवाब भी नहीं दिया था. हाँ, वो पता चल गया. तो पता चल गया. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कमिंग बैक टू यू साथ, आई आस्क्ड हिरा, इफ यू आर गेटिंग लेट टू बोर्ड अ प्लेन, विल यू यूज योर सेलिब्रिटी कार्ड टू कट द लाइन. उनके दो जवाब हैं, नहीं तीन जवाब हैं. ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग, टू, नो, आई जस्ट, माय हेयर फ्लिप विल डू. थ्री, ना बाबा, आई बिलीव इन इक्वालिटी. दिस इज अ डिफिकल्ट वन. अब इतना टाइम गुजार दिया कि मुझे बार बार सारा आ रही है कि सारा क्या कह रही है, और ये भी ज़हीन बना हुआ है. What was the first one? Just my hair flip would do. and the second one, sorry. Of course, it goes without saying. Third, na baba, I believe in ki nahi sab line mein khade ho. Of course, it goes without saying. Galat answer. She said, just my hair flip would do. Mere hair nahi flip ho rahe, but. Really? Yeah. I mean. You need some guidance. You need some guidance. This was my answer. You guessed it wrong. Okay. Now, Hira, I asked the same question with Saad. Ke, if you're getting late to board a plane, would you use your celebrity card to cut in the line? Unke jawab the, number one, I would be too embarrassed to do that. Number two, I will answer a fake call taking. I will answer a fake call talking about my show so that everybody knows. हाँ भाई, कैसा जा रहा है ज़हीन? कैसा लगा? Third, nope. I believe in equality, but if they ask me, I would not reject the offer. I think second one. No, the first. I would be talking about ज़हीन. Really? You just did that. I thought maybe first one. साथ आपकी reputation अच्छी नहीं है. You will actually show off. Hey, what's up?
इनका जवाब था नोप आई बिलीव इन इक्वालिटी यू डोंट बिलीव क्यों हिरा क्यों यस आई डू क्यों नहीं पता तुम्हें ये इफ दे आस्क मी आई वुड नॉट रिजेक्ट आपको नहीं पता था ना ओके थर्ड ये तुमने जान के बदला उतारने के लिए किया कि मुझे पिछला नहीं पता था आई एम श्योर कि तुम्हें ये वाला जवाब पता था पता था ओके मैंने हिरा से पूछा If you are offered Gangubai Darling's Student of the Year, which one would you play as Alia Bhatt ka role? Student of the Year? No. Very bad. अभी तुमने hair flip करके तो तुम चली गई हो plane में हैं? यार काम की बात हो रही है ना. अच्छा काम की बात. अच्छा अब फिर मैं एक और guess करता हूँ. सोचिए. Gangubai Darling's or Student of the Year? Which one? Darling's. I would love to play Gangubai, but that would take some time. Darlings, I'm in real life too. अच्छा. उन्होंने कहा I'm already life में. Life में हूँ darlings. वो कह रही है ना मैं darlings. अच्छा वो सुनाओ मुझे कछुआ और उसकी कहानी. मेंढक और बिच्छू की कहानी. मेंढक और बिच्छू दोनों दोस्त होते हैं. एक नहीं ऐसी नहीं होती है कहानी शुरू. एक मेंढक नदी के किनारे आराम कर रहा था यहाँ से शुरू होती है अब यार आप सुना रहे हैं सुना रहे हैं ओके प्लीज ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज गोना टेक अ व्हाइल ओके मैंने साथ से पूछा इफ लाइक स्पाइडरमैन यू कुड सेव द वर्ल्ड ऑन वन कंडीशन दैट यू आर इरेज्ड फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ एवरीवन हु न्यू यू एंड यू कुड चूज ओनली वन पर्सन जो आपको याद रख सके अ फेमस पाकिस्तानी पर्सन तो वो कौन होगा ठीक है अगर आप दुनिया को सेव कर सकें कि जितने लोग आपको जानते हैं आप उनकी याददाश्त से निकल जाएं लेकिन आप सिर्फ एक बंदे को चूज कर सकते हैं इट कैन नॉट बी योर फ्रेंड्स और फैमिली यू हैव सीन ना स्पाइडरमैन फार फ्रॉम या इट कैन नॉट बी सो तीन आंसर्स उन्होंने दिए आप बताएं कौन सा होगा फहद मुस्तफा सो ही कुड कास्ट मी इन हिज ड्रामा सो भूल जाए लेकिन काम वाले लोग ना भूले सबा कमर बिकॉज आई रियली लाइक हर एंड आई रियली लाइक हर वर्क आई वुड चेंज द स्पेल एंड आस्क डॉक्टर स्ट्रेंज टू मेक श्योर दैट एवरीवन वुड रिमेंबर मी द लास्ट ऑप्शन आई वुड चेंज द स्पेल सही भाई क्या बात है शुक्र है यार नॉट बैड सो शी विंस शी विंस शी विंस शी आंसर्ड टू करेक्टली अबाउट यू आई एम ज़हीन आई वांट हर टू विन ओ गॉड यू टेक क्रेडिट फॉर दिस टू ओके आई एम गोना शो यू अ फ्यू सीन्स एंड यू हैव टू टेल मी के इसके पीछे का कोई कहानी है आपके पास इन सीन्स को बताने के लिए दिस इज फ्रॉम आवर ड्रामा ऑफ कोर्स ओके ये सीन है जिसमें आप लोग जाते हैं हम लोग इस वक्त शायद अपने बूमरैंग्स बनाने में मसरूफ थे है ना we didn't have a changing room hair. Oh, that, oh. सारी डिटेल्स बतानी है हर यहाँ पे चार पांच सीन्स थे तो हर सीन के लिए वी हैड टू गो वी हैड टू चेंज वी हैड टू कम बैक वाओ सो मच एफर्ट कितना हार्ड वर्क या तो उसमें ही हालत खराब हो जाती है एनीथिंग फन दैट हैपेंड देयर हां इस सीन के शूट कर रहे थे लोग आए या कुछ हुआ या कुछ हां इस सीन के बीच में एक बड़ी मजे की बात हुई थी जो भुट्टे वाला था ठीक है उसका बेटा वहां पे था और वो भुट्टे वाला खुद जो उसके बाबा तो सीन जब पहली दफा शूट हुआ तो बाबा शूट में थे उस शॉट में थे और फिर बाबा चले गए तो बच्चा आ गया सो वी हैड टू लाइक डू अ डिफरेंट एंगल और बताना था कि यार नहीं ये बंदा वही है ओके कंटिन्यूटी इशू लोग भुट्टे वाले के अब्बा और बेटे से भी बेटे का मसला हो जाता है मसला हो सकता है ठीक है ये जहाँ पे आप लोग वो उधर जाते हैं बच्चों को गिफ्ट ओह माय गॉड दिस सीन क्या हुआ था यू टेल यार दिस सीन वाज हम जब इस्लाम एरिया में गए थे एक तो हम लोग वैसे ही दोनों थोड़े इमोशनल किस्म के लोग हैं तो वी वर वेरी इमोशनल व्हेन वी सॉ एवरीबॉडी एंड यू नो सारे बच्चे और मैं इनसे सवाल पूछ रही थी कि कैसे क्या 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 तो दैट वाज अनदर पार्ट बट इसके बाद जब हमने सो ये कोई ये जो जगह है जिसके ऊपर ये लकड़ी पड़ी हुई है जो नाला सा ये कोई स्क्रिप्ट में नहीं था दिस वॉज नॉट इन द स्क्रिप्ट हाथ पग लाइक देर वॉज अ मोमेंट रिटन बट देर वॉज नॉट लाइक स्पेसिफिकली क्या So everybody they saw the space and they were like नहीं ये करेंगे और ज़हीन को वहाँ जाना है और ये करना है और ये बहुत ही impromptu था this was not हाँ it was on the spot even the production team they didn't know कि यहाँ पे इस तरह की location है तो ये हो सकता है और वहाँ पे जब हम ये कर रहे थे तो जितने भी लोग वहाँ थे तो वो लोग तालियाँ और सीटियाँ बजा रहे थे when he held my hand and when we did अच्छा adding on to that वो इतना सा
लेज था ठीक है, और मेरा सोलो हो रहा था और सारे पीछे से बच्चे हीरो आया अच्छा, और एवरीवन वाज लाइक क्लैपिंग, और मैं ना मुझे था कि मैंने आई हैव टू लुक इन हर आईज एंड लाइक वॉक ना फुल वाली वॉक करनी है हीरो वाली, क्योंकि ज़हीन के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है नहीं अकॉर्डिंग टू यू हीरो बनने की. तो मैंने कहा मैं आंखों में देखता हुआ आऊंगा, और सारे तालियां में जा रहे हैं और वो लेज इतनी सी थी और मुझे नीचे नजर नहीं आ रहा कि मैं सीधा जा रहा हूँ कि नहीं. मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे गया तो बस फिर मैं तो चार दिन ना नहाऊं तो चार दिन नहाता रहूं तो फिर शायद हाँ, और वो हीरोइज्म भी गया. हाँ, तो उसका मुझे भी बस अल्लाह ताला ने उस दिन बचाया और मैं जाते जाते और मैंने सिर्फ हाथ ही किया और मुझे बाकी में नीचे नहीं पता था कि मैं किधर जा. वाओ, ओके, इंटरेस्टिंग. तो ये बहुत एक, बट वो वैसे भी बड़ा आप लोगों के लिए इमोशनल एक्सपीरियंस होगा टू सी. यस, वी वर एक्चुअली टॉकिंग टू पीपल देयर, लाइक असल में उनकी स्टोरी सुन रहे थे, ये भी वहां पे सुन रहे थे, मैं भी सुन रही थी. ये तो बिल्कुल ही एक फैमिली के साथ काफी डीप कन्वर्सेशंस कर रही थी. और मुझे याद है कि उस सीन में मुझे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो खैर वो बड़ा डिस्टर्बिंग भी था कि दे आर सो डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग कि उनको कोई भी डिफरेंट चीज़ जब मिली वहाँ पे तो दे ऑल जस्ट ग्रैब्ड इट एंड दे वर लाइक कि हमें इसको दे दो उसको दे दो, जैसे जैसे उनका हाथ पड़ रहा था. तो हम देख के बड़ा वो हुआ हमें कि हम शायद इनके लिए इनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया था वहाँ से, नहीं निकल पा रहे थे एवरीबॉडी. फिर नहीं, जब वो सारा एक केओस सा हो गया तो इन्होंने कहा कि सब लोग सब बच्चे लाइन में आएंगे एंड देन वी विल डू इट, एंड दे वर एक्चुअली वेरी नाइस. और वो बच्चे बड़े वो समझ वो बड़े एक्साइटेड हो गए, सारे बच्चे लाइन में गए और जो लाइन तोड़ा था वो उसको कह रहे थे नहीं तुमने आगे नहीं आना, ये लाइन में आओगे. हीरो ने कहा आई फेल्ट लाइक अ टीचर के यार इनको अगर किसी ने नहीं सिखाया इनको तो आई हैव द राइट, मुझे यहां पे मौका मिला तो मैं इनको बताता हूं. मैं समझी ही वुड से आई फेल्ट लाइक अ हीरो. नो कॉमिक्स का कि मैं इनको सिखाऊं दुनिया को भी सही करूं. दैट वाज अ स्वीट जेस्चर. आई एम श्योर दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी वेरी इमोशनली इंटेंस एंड थोड़ा सा यू नो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी हुआ होगा. अच्छा हीरा आपका ये सीन अभी रिसेंटली जिसमें वहाज वाज इट must be really tough because yahan pe actually is you know umar ne aapko pakda hua hai, unhone pakda tha mujhe but unhone mujhe zor se nahi pakda tha. Umar and I call him umar bhai, he's like my elder brother, like main before the industry also maine pehle se janti hu, so he's like a protector or whatever. So when he says hum log hum itna hase hain scene se pehle aur baad mein when he says that मैं तुमसे प्यार करता हूँ सारा, मैंने कहा उमर भाई हम क्या कर रहे हैं स्क्रीन के लिए. जब इन्होंने पकड़ा यहाँ से नहीं, बस वेरी लाइक केयरफुल कि तुम्हें लग ना जाए और बट लेकिन हम लोग बहुत हंसे हैं ये सीन करते हुए. अच्छा उमर की एक क्वालिटी ये है कि वो एक्शन सीक्वेंसेस में बहुत अच्छा है, उसकी मूवमेंट और उसका जितना रिक्वायर्ड होता है ना फ्रेम में वो उतना ही करता है. और उसने इसको भी उस फोर्स से पकड़ा, लग रहा होगा आपको बहुत अच्छा किया लेकिन उसने पकड़ा नहीं है इसको उस तरह से. ही वाज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड विद ऑल द इवन एक वो जो गन वाला सीक्वेंस है जिसमें उसकी टाइमिंग और वो सब वो बहुत अच्छा करता है. अच्छा आपका ये सीन जज्बाती है. ओ ये टूट जाएगा, टूट जाएगा. मैंने कहा टूटेगा नहीं टूटेगा, चोट लगेगी नहीं लगेगी, तब टूट गया और लगी चोट, कट गया. मुझे ये सीन नहीं पसंद आपको, यू डिडंट वांट टू डू इट. हमारे पास दूसरा सीन भी आई, इस पे शेयर कर लें ये वाले गाड़ी वाला. ये भी बड़ा इम्प्रॉम सीन था ना जिसमें हम वो वहाँ पे कॉम 3 के आगे शूट कर रहे थे. दिस इज आल्सो क्यूट. It's like full filmy scene or full filmy जब violins और guitar बज रहे होते हैं और सब लोग पीछे देख रहे थे कि क्या हो रहा है. कितना आप consciously feel करते हो उसको, कैसे how do you shoot it? अच्छा हमें mostly ना हमें पता नहीं होता क्योंकि मैं नहीं देखता जाके फ्रेम और किसी हद तक मैं देखता हूँ कि मुझे पता हो कि मैंने फ्रेम में खड़ा किधर होना है. कभी कभार मैं देखता हूँ जहाँ पे मैं खुद कन्फ्यूज हो जाऊँ कि अच्छा स्क्रीन पे मैं ऐसे आ रहा हूँ. तो हमें एक्ट करते हुए फील नहीं होता कि स्क्रीन की फील क्या है और हम स्टोरी में कहाँ फिट इन कर रहे हैं. तो ये सीन जब एडिट होके आया इट लुक लाइक तो आपको अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह हो रहा होगा, तो इसलिए भी शायद आप इतना कॉन्शियस. या दिस वाज अ डिफरेंट बॉल गेम वहां पे करते हुए हमें लगा कि हाँ हम ये लुक्स दे रहे हैं, ये अल्लाह करे एडिट में पकड़ी जाए. वो पकड़ी गई और वही जो है वही मोमेंट्स क्रिएट हुए हमारे. बट जब आप लोग ये रोमांटिकिज्म की सीन कर रहे होते हैं या इस तरह का एक बहुत इमोशनल सीन पब्लिक एरिया में कर रहे होते हो, कॉन्शियस नहीं होते, हाउ डू यू ब्लॉक एवरीथिंग यू नो? There's this one thing. तो मैं ज़्यादा ज्ञान वाला नहीं बनना चाहता यहाँ पे, but there is one thing that's called fourth wall. Okay. हम acting में पढ़ते हैं ठीक है. अगर किसी को नहीं पता इस बारे में, for all the newcomers जो कि थोड़ा
जिनको लगता है कि हम कॉन्शियस हो जाएंगे, फोर्थ वॉल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप सब कुछ ब्लॉक कर देते हो. यू ओनली सी द पर्सन हु इज़ नेक्स्ट टू यू और हु इज़ इन द फ्रेम. जितनी फ्रेम की चीज़ें होती हैं, जितनी रिक्वायर्ड होती हैं, आप उसी को फोकस में रख लेते हो. बाकी सब ब्लैंक हो जाता है. तो यू हैव टू, हाँ, मुझे फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आस पास कौन है, क्या है. ये सीन है गाड़ी वाला. इस सीन में शुरू के सीन्स में से हमारे जो आप बात कर रही हैं ना कि लोग होते हैं, तो ये भी हमने कॉम 3 पे इसका बाहर वाला पार्ट शूट किया था. एंड आई एम वेयरिंग अ वेरी लाइक टाइट ड्रेस और व्हाटएवर, सो वो थोड़ा सा उस तरह से था. तो इस सीन में जब मैं ये शूट कर रही थी, मैं गाड़ी में बैठ रही थी, तो 35 से 40 लोग ऐसे खड़े हुए थे और सब आदमी, और मैं ये ड्रेस पहन के खड़ी हुई हूँ. और जैसे कट होता था, वो एक बंदा मेरी चादर लेके खड़ा होता था, वो चादर मुझे देते थे और मैं गाड़ी में बैठ जाती थी. वही फोर्थ वॉल वाली बात के मैंने एक सेकंड एक नज़र देखा, मैंने कहा अगर ये मैंने दोबारा देखा ना तो मेरा सीन ख़राब हो जाएगा. सो आई वाज लाइक नो, आई डोंट हैव टू सी दिस. सो उसके बाद फिर जैसे ही एक्शन होता था, वो चादर होती थी, तो इट बिकम्स यू नो डिफिकल्ट. बट देन ज़हीन वहाँ पे सही कैरेक्टर में था, यूं आगे आगे खड़ा हो जाता था. बट क्यूट, हाँ, या आगे आगे इट वाज़ लाइक क्यूट. ही वाज़ ट्राइंग टू, ही लाइक नहीं तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, अच्छा तुम गाड़ी में बैठ जाओ, तुम खड़े हो. जब तो हमारी बिल्कुल सलाम दुआ टाइप थी बस सेट पे जितनी. बट फिर भी ही वाज़ प्रोटेक्टिंग. ही वाज़, या ओके. आई सेड टू मेनी गुड थिंग्स अबाउट यू टुडे. फैन रिएक्शन अब तक कैसा आया? कोई एक इंटरेस्टिंग, कोई बाहर जाते हैं लोग कुछ कहते हैं वो बताओ ना. जब हम आउटडोर एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे बाइक पे, जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ये हाँ, बिलावल चुरंगी से हम लोग जा रहे थे, द फेमस रोड जहाँ पे आउटडोर सीन्स होते हैं, वहाँ पे हम जा रहे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड वी आर शूटिंग. सामने से हम कैमरा गाड़ी से हमें शूट कर रहा है. एक फैमिली बाइक पे थी, वो हमें ऑल द वे फ्रॉम द अदर साइड वो यू टर्न लेके आई और जहाँ पे हम रुके, जहाँ पे लेंस चेंज हुआ, फैमिली उतरी और उन्होंने आके कहा कि आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कितनी खुशी होती होगी ना आप लोगों को, लगता होगा कितनी मेहनत जो कर रहे हैं वो. कोई और कोई मैसेज, कोई ऐसा जो कोई मैसेज देखा जिससे दिल को कुछ हुआ या थोड़ा डर भी गए कि यार? रिसेंटली आई पोस्टेड समथिंग ऑन माय इंस्टाग्राम जिसमें मैंने कहा कि आप OST कंप्लीट करें, द टू लाइंस मिसिंग. आई एम सो ओवरवेल्म्ड दैट दे कनेक्ट विद द सॉन्ग. They are like, I have so many comments जिसमें वो complete किया हुआ उन्होंने और they actually feel the pain that Zaheen has in his heart. नहीं, हम सब Zaheen की pain को feel कर रहे हैं कि मैं इश्क से कर लिया मैनू वफा चाहिए. Such a deep line and the OST, the whole Zaheen's story, Zaheen's journey is based on these lines. Something scary happened with me that I posted a picture. A story जब रेनबो था फ्रॉम माई इंस्टाग्राम बाहर की व्यू की, तो समबडी उन्होंने वो बिल्डिंग्स नोट की और अगले दिन मुझे किसी ने अपनी पर्सनल स्टोरी में टैग किया हुआ था मेरी बिल्डिंग के बाहर आके दो बिल्डिंग्स में कि यहाँ पे आपने कल एक स्टोरी पोस्ट की थी, सो इन दो बिल्डिंग्स में से कहीं पे मेरा घर है. एंड दैट वाज एग्जैक्टली माय बिल्डिंग. सो आई गॉट सो स्कैर्ड. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, इज लाइक दिस इज अ लिटिल क्रीपी. सो दिस बिकम्स नेक्स्ट टाइम यू पोस्ट दैट एंड से कि ज़हीन इज वाचिंग यू. भाई ज़हीन से हमें डर ही नहीं लगता. बोले वहां इज वाचिंग यू, फिर शायद डर लग जाए. फ्लर्ट्स के लिए क्या कर रहे हैं आप दोनों? कोई आप लोगों ने स्टेप लिया दैट यू कैन शेयर, एनीथिंग दैट यू कैन just talk about with our audience, because I think is waqt ki itni aisi situation hai jo pura mulk isko dekh raha hai, uske bare mein concerned hai. So it's very hamesha acha lagta hai jab hum dekhte hain wo log jo influential hain, jo kuch kar sakte hain aur jinki baat kuch matter karti hai, unki kuch efforts ke bare mein jane to log motivate hote hain. Main sirf itna bolunga, already I am a part of something. I am a goodwill ambassador for idara e taleem and agai, to main unke sath milke I have spread the word. और मैंने वो जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है ना कि आपकी जगह सही जगह पे जा रही है डोनेशंस के नहीं, सो आई ट्राई टू ब्रेक दैट. अगर मेरी वजह से कुछ अच्छा काम हो सकता है, लाइक मेरे इन्फ्लुएंस से, आई ऑलवेज सपोर्ट इट. तो आई शेयर इट ऑन माई सोशल मीडिया. तो आपकी जो आ गई सॉरी जो है, तो वो जो स्कूल्स डैमेज हुए हैं उनकी तरफ जाके काम कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, एंड ऑल्सो जो बेघर हुए हुए लोग उनके लिए. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, बिकॉज कितने स्कूल्स इस वक्त डैमेज हुए हैं और बच्चों की तालीम रुकी हुई है, तो अगर वो उसकी तरफ तालीम इज, तो आप बहुत आगे की बात करें, इस वक्त तो उनके पास रहने को छत नहीं है, ठीक है, आप उनको उनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, आप हम इस वक्त बैठ के तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं. तो उनके
इतना सा भी अगर मैं थोड़ा सा भी किसी को फोर्स कर सकता हूँ कि किसी को समझा सकता हूँ कि यार आपके 50 रुपए भी या 100 रुपए भी सही बात है। उनके लिए एक वक्त का खाना बन सकता है। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग इतना कंफ्यूज हुए ना कि किसको डोनेट करें, तो ये भी एक और एनजीओ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इधर के बेसिक नेसेसिटीज पर इवेंचुअली आई एम श्योर बिकॉज इट्स स्कूल एजुकेशन रिलेटेड वो स्कूल की तरफ काम करेंगे तो वहाँ पे भी बाद में इनके साथ काम किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। हीरा, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? आई हैव बीन कोलैबोरेटिंग विद सम दीज एप्लीकेशंस, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर बना हुआ है इस टाइम पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं Okay. वो लोग और बहुत अच्छी अमाउंट में यहाँ पे डोनेशन वगैरह आ रही हैं और जो भी जहाँ जहाँ भी जा रही हैं व्हाटएवर, बट आई ऑल्सो हैड सम फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आया कि वहाँ पे कितने लोग इस टाइम पे इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि हम यहाँ पे किन ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे भेजें और किस तरह से हम जो हों। सो आई वॉज वर्किंग विद दिस ऐप कॉल टैप टैप सेंड एंड दीज गाइज दे हैव दीज लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे देर एक्चुअली लाइक यू नो डोनेटिंग मनी। जो 5-6 बैंक अकाउंट्स हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्होंने लिस्ट किए हैं और उसके साथ साथ जब आप बाहर से कोई डोनेशन भेजते हैं तो वो $10 या पाउंड्स जो हैं वो आपकी तरफ से डोनेट कर देते हैं, एप्लीकेशन वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट हो रहा है। सो आई वाज लाइक बिकॉज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो दे हैव दीज रिलीफ कैंप्स, और मतलब इवन जो मेरे घर पे मेरी हाउस हेल्प है शी डोनेटेड हर क्लोथ्स फॉर द फ्लड विक्टिम्स एंड शी वाज टेलिंग मी कि बाजी मैं ये कर कर आई हूँ, और ये तो मैं आई वॉन्टेड के बिकॉज ऑफ माई इंस्टाग्राम आई कैन स्प्रेड अवेयरनेस, ये वाली साइड भी थोड़ी सी केटर हो सकती है कि जिन लोगों जो लोग चाह रहे हैं इस तरह से हेल्प करना। सो मैं बस अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह और चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ जहाँ जहाँ पे मेरे दोस्त गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सनली जा रहे हैं इंटीरियर सिन में और वहाँ पे, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी तरफ से जो कर सकूँ वो कर सकूँ। एंड देयर इज अनदर थिंग दैट मी एंड माई वाइफ वी आर वर्किंग ऑन, इट्स कॉल्ड ला आयोडा, इट्स वी नेम्ड इट ला आयोडा बिकॉज इट मीन्स हेल्पिंग हैंड्स। तो हमारा एम ये है कि वी वॉन्ट टू डिज़ाइन एन ऐप इन विच देर इज़ दिस ट्रांसपेरेंसी बिटवीन यू एंड द पर्सन हु इज़ गेटिंग योर डोनेशंस। यूजुअली हम कतरा जाते हैं ना कि हमारे पैसे सही जगह पे जा रहे हैं, इफ़ आई वॉन्ट टू स्पेंड मनी ऑन, इफ़ आई वॉन्ट टू डोनेट मनी टू समवन्स एंटरटेनमेंट और समवन्स एजुकेशन और समवन्स मेडिकल एक्सपेंसेस, तो आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट कि मेरे ये डोनेशन उसी स्पेसिफिक चीज़ पर जाए। So our goal is to develop an app in which we enlist all the children who are in dire need and unki specified donations jaye. Okay. So if you sponsor a child, uski aapne sirf education ke paise dene hain, it will be done for the year. Okay. You can choose ki main weekly iski education ke paise doon ya monthly doon ya yearly doon. Okay. Once that is paid, it will come on the app ke ye चेक मार्क हो चुका है, नाउ यू कैन पे फॉर मेडिकल और समथिंग एल्स एंड यू कैन टॉक टू द किड कि मुझे ये चीजें मिल गई हैं, थैंक यू सो मच, एंड यू कैन हैव दैट कॉन्वर्सेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, सो यू कैन नो कि किधर जा रहे हैं। यस, नहीं, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने जो एफर्ट्स आप लोग कर रहे हैं उसको शेयर किया, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट, थोड़ी गाइडेंस लोगों को मिल जाती है और एक वो भी वैलिडिटी भी आ जाती है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशंस शायद जेन्युइन होंगी क्योंकि आप लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, यू गाइज होल्ड अ सर्टेन रिप्यूट इन द इंडस्ट्री एंड इन द आईज ऑफ योर फैंस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहीन और सारा का जर्नी अभी कंटिन्यू रहेगा, हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट टू फाइंड आउट कि क्या होता है आगे, सारा कितने ट्विस्ट और कितने टर्न से गुजर के फिर जहीन तक पहुंचेंगी, कितनी और क्या जहीन वफा के साथ साथ इश्क पे कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो या काफी सख्त इम्तिहान है, कहीं इधर उधर वो फिसल ना जाए, तो काफी इंटरेस्टिंग वो पॉइंट आया हुआ है, बट बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई थिंक अच्छी, हमने कुछ नए न्यू कमर्स जो आना चाह रहे हैं उनको भी अच्छी बातें बताई, कुछ फन सेगमेंट भी हो गया, सो आई होप आप लोग भी बोर नहीं हुए और आप लोगों को अपने फेवरेट सारा एंड जहीन से मुलाकात का मौका मिला। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, एंड आप लोग इसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं अभी नए, आप लोग शुरू हो गए, इंशाल्लाह आपको तो ढेर सारी ऑफर्स आ रही होंगी या नहीं आ रही? आ रही हैं, बस अभी सिलेक्ट करना है कि क्या करना है, बिकॉज इसके बाद भी आई जस्ट वॉन्ट कि इंशाल्लाह आई चूज गुड वर्क एंड वाइज वर्क दैट। सो यू आर लुकिंग एट द स्क्रिप्ट्स, अभी नया शुरू नहीं किया है? नहीं, मैंने अभी आई हैव नॉट स्टार्टेड to work for something, but inshallah. And what about you, Saad? I have exclusive news for you. Okay. Working on a project called Iblis. Oh, okay. Yes. So it'll be on air inshallah in December. Not bad. Currently I'm shooting. So dekhen. Chalein. A lot of surprises coming your way. Good. Theek hai. We wish you both all the best in your future projects in life. And thank you so much for your time. Thank you. Thank you.